आप इनमें से कोई प्लीज शेयर कर दे बिटली के लिंक के साथ यहाँ पे ग्रुप पे। यू मीन ऑन द ग्रुप एज इन द फेसबुक ग्रुप? अच्छा चलो ठीक है, सही है। दिस इज व्हाट वी गोइंग टू डू, वी विल हैव दिस दिस फॉर्म शेयर्ड। उस्मान ने शेयर कर दिया बाय द वे, उस्मान अली ने, ठीक है। ये उस्मान अली ने जो फॉर्म शेयर किया है ये हम लोग ग्रुप पे भी डाल देते हैं। ये पीएम्स ने ही तैयार किया है एंड दिस हैज ऑल द डिटेल्स इन रिगार्ड्स टू के तुम लोग को क्या क्या चीजें जो है फिल इन करनी है, राइट। और इनफैक्ट इसमें प्रॉबेबली एक सिर्फ फील्ड और हम लोग शायद ऐड कर दें, विच इज द फेसबुक प्रोफाइल वाली, ठीक है। उसका रीजन ये है कि आई रियली डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्सेसिंग देयर ईमेल्स, बट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट एवरी वन ऑफ यू इज एक्सेसिंग। और पता नहीं कितने लोगों ने अपना बेस्ट ईमेल दिया देंगे, सही है। सो बट आई डू नो दिस फॉर अ फैक्ट कि सब लोग अपनी फेसबुक प्रोफाइल जरूर जो है वो कर रहे होंगे। तो अपना नाम एक बिल्कुल एग्जैक्टली वही डालना जो तुम लोग ने इनकम प्रायोरिटी शीट में डाला हुआ है, ठीक है। और डोंट वरी अबाउट द फैक्ट कि अभी कोई अगर मुझे ये बोले कि अभी मुझे पीएम असाइन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा। अभी तुम लोग सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करो कि तुम लोग को प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है और फिर हम लोग उसके ऊपर फिर देखेंगे, ठीक है। इसमें हमने फील्ड्स ये डाली हुई है, स्टोर टाइप क्या तुम लोग सेलेक्ट करोगे, प्रोडक्ट नेम क्या होगा, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स तुम लोग डाल दो, वाओ फैक्टर, प्रोडक्ट सप्लायर लिंक, प्रोडक्ट वीडियो अवेलेबल यस नो, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। इफ यू डोंट नो व्हाट द कैटेगरी इज यू कैन विजिट aliexpress.com, ठीक है। और तुम लोग ये देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में तुम लोग का जो ना प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। सो दीस आर द ऑल दीस आर ऑल द कैटेगरीज ओवर हियर, ठीक है, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। एंड पर डे टेस्टिंग बजट तुम लोग के पास कितना है पर प्रोडक्ट, ठीक है, बिकॉज दैट वुड गिव मी एन आइडिया कि तुम लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ प्रोसीड कर सकते हो नहीं कर सकते। और प्लस नजर में रखना होगा कि जिसके पास ऐसी बात है जरा ज्यादा रूम होगा, ज्यादा बजट वो एग्जॉस्ट कर सकता होगा टू प्ले अराउंड विद द एड्स एंड ऑल, तो उसके पास हम फिर थोड़ी स्ट्रेटजी उसके लिहाज से रखेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं अजीम हम लोग ये जो लिंक है ये शेयर कर देंगे ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, ठीक है। और फिर उसके बाद यू कैन हैव इट एंड देन फिल इन, ठीक है। अच्छा जस्ट जस्ट अ फ्यू मोर पॉइंट्स, मैंने प्रोडक्ट वैलिडेशन से रिलेटेड तुम लोग को मैंने पॉइंट्स बता दिए थे पहले, इफ यू गाइस स्टिल रिमेम्बर। जी फेसबुक ग्रुप ECBC का, ठीक है। एक बात और याद रखना, ये मैं पहले बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, इससे पहले तुम लोग हम लोग को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स इन योर हेड, और जस्ट मेक श्योर जो भी प्रोडक्ट तुम लोगों ने प्रोवाइड कराए कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, और फिर इन पॉइंट्स के थ्रू जाओ। डज द प्रोडक्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ, डज द प्रोडक्ट हैव अ लार्ज टारगेट मार्केट, इज द प्रोडक्ट न्यू और हार्ड टू फाइंड इन ट्रेडिशनल स्टोर्स, इज द प्रोडक्ट यूनिक एंड इम्प्रेसिव, इज द प्रोडक्ट एन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ऑन गूगल गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। Are there any competitors doing well with this product? Does the product have a track record of selling well? Yes or no? Plus, जैसे के you can see that by के जो suppliers हैं जिन्होंने, अगर मैं तुम लोग से एक बात कहता हूँ, मैं let's suppose AliExpress में गया और 3M के जो हैं के N95 भी मिलते हैं, N95 भी मिलते हैं, N95 मैंने लिखा, सही है, mask। अब पहली बात तो मास्क मत सेलेक्ट करना, बिकॉज फेसबुक इज वेरी स्ट्रिक्ट विद प्रमोटिंग दीज थिंग्स ऑन एड्स। मास्क हो गया, सैनिटाइजर्स हो गया, ये चीजें सेलेक्ट करने का फायदा नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ तुम लोग को बता रहा हूँ कि सिलेक्शन का एक अच्छा क्राइटेरिया क्या होता है। ई पैकेट, नो ई पैकेट वाले सेलेक्ट नहीं करने सप्लायर, मैं पहले बता रहा हूँ, सिर्फ ई पैकेट वाले करने। ई पैकेट वाले में भी अगर तुम लोग ने अली इनसाइडर अपने पास डाला हुआ होगा तो तुम लोग ने अगर साइन इन करा हुआ है, जो मैंने अभी नहीं करा हुआ, साइन इन करते ही तुम लोग जो है ना ये देख सकते हो कि वो तुम्हारा पर्टिकुलर, रुको,
तुम लोग का वो जो पर्टिकुलर सप्लायर है जो तुम लोग सेलेक्ट करने जा रहे हो, उसकी लॉजिस्टिक्स रिलायबिलिटी कैसी है? मीडियम हो सकती है, लो कभी भी मत रखना, आइडियली कोशिश करो कि हाई वाली रखो, ठीक है? ये भी मीडियम है, ये भी मीडियम है, ये भी मीडियम है, और तुम लोग का ओवरऑल एक सेल्स भी पता चल रही है, ठीक है? कि ओवरऑल एक जस्ट गेट द आइडिया कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ऑन एन एवरेज सेल्स क्या चल रही है, और ये तुम लोग ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पे 4.8 पीसेस पर डे इसके बिक रहे हैं, 15 पीसेस, 181 पीसेस, ऑब्वियसली रैंक में नंबर 1 है तो 181 कर सकता है ये, 44 पीसेस इसके बिक रहे हैं, तो आई वुड से अराउंड दिस इज डूइंग वेल बिकॉज इट्स नॉट नंबर 1. मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि 3M का ये सॉरी K95 या N95 वाला जो मास्क है, ऑन एन एवरेज लेट्स से तकरीबन 30 पीसेस पर डे बिक रहा है, कुछ जगह बहुत कम भी है, कुछ जगह ज्यादा भी है, फर्स्ट लाइन में ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो 25, आई'ड से 25, इसके 34 हैं, 55, 60, हाँ आई वुड से 30 ऑन एन एवरेज, ठीक है? जस्ट गेट एन आइडिया और फिर वहां पे तुम लोग वो कर सकते हो, ठीक है? सो या वुड यू डज द प्रोडक्ट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सेलिंग वेल? थोड़ा सा देख लो पास्ट में कितनी सेल्स हुई भी हैं, उसका देखने का आसान तरीका ये होता है कि नीचे देख लो, 259 सोल्ड, 279 सोल्ड, 1800 पीसेस सोल्ड एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है? वुड यू रिकमेंड, वुड यू और समवन यू नो बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है? मतलब इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, अगर मैं तुम लोग से बोलूं तो परसोना तुम लोग के प्रोडक्ट का, एक कस्टमर पर्सोना तुम लोग के दिमाग में क्या है, हु वुड बी विलिंग टू बाय दिस प्रोडक्ट? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास्क, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल के कोई भी प्रोडक्ट अगर तुम लोग सेलेक्ट करते हो तुम लोग के दिमाग में क्या होगा उससे रिलेटेड, ठीक है? ओके, सो एक चीज और, मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को शिपिंग के ऊपर थोड़ा सा मैंने तुम लोग को रुक गया था, तो वो मैं बस कंप्लीट कर लेता हूँ. इट्स रियली इजी. शिपिंग पे जब तुम लोग जाओगे, शिपिंग में सेटिंग्स में जाके शिपिंग पे जाने के बाद, तो वहां पे मैनेज रेट्स के ऊपर जाओ. मैनेज रेट्स पे आने के बाद अगर तुम लोग की पहले से कोई भी शिपिंग ऐड हुई भी है, उन सबको डिलीट कर दो. रुको एक सेकंड, लेट इट लोड. सो ये इग्नोर ऑल दीस, ऑल ऑफ दीस, ठीक है? नीचे जाओ. ज्यादातर लोग फ्री शिपिंग रखते हैं या फ्री शिपिंग अबव $25 रखते हैं कि अगर किसी ने $25 की परचेस कर लिया उसके बाद फ्री शिपिंग होगी, तो दैट इज अप टू यू. तुम लोग एड रेट करके कंडीशंस लगा सकते हो, एड अ कंडीशन, ठीक है? ऑन बेस्ड ऑन प्राइस, के मिनिमम प्राइस जो है वो, लेट्स सपोज तुम $25 रखते हो तो 24.99 रख दो, ठीक है? और मैक्सिमम प्राइस रख दो इसकी, मिनिमम प्राइस रख दो, मैक्सिमम प्राइस रख दो. आई वुड से कीप इट मिनिमम और फिर जस्ट एड इट, ठीक है? एक और तरीका ये है, अगर सिर्फ फ्री शिपिंग रखना है तो क्रिएट अ शिपिंग जोन. जब तुम क्रिएट शिपिंग जोन करोगे, तो लेट्स सपोज तुम फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है? फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड करा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर दो. और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग सिर्फ ई पैकेट कंट्रीज को करो, तो उसका उसके लिए तुम लोग को सारे ई पैकेट कंट्रीज की लिस्ट चाहिए होगी, जो वैसे मैं तुम लोग को चैट पे दे रहा हूँ, लेकिन अलग से भी मैं तुम लोग को दे दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है? दीज आर ऑल द ई पैकेट कंट्रीज जो अली एक्सप्रेस सपोर्ट करता है. इसमें से कुछ कंट्रीज, इसमें से नहीं लेकिन वैसे इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज है जिसपे अभी अली एक्सप्रेस टेस्टिंग कर रहा है, जैसे वियतनाम. वियतनाम इस लिस्ट में नहीं है, अली एक्सप्रेस अभी वहां पे ई पैकेट टेस्टिंग शुरू करी है उन्होंने, तो इस वजह से मैंने इसको अभी ऐड नहीं किया है, ठीक है? अगर तुम लोग को ये लिस्ट चाहिए है तो या लेट मी सी इफ आई कैन ऐड दिस ऑन द स्लाइड. वेट, आई लेट इट दिस, ठीक है? आई लेट इट एडिट दिस, ऐसा कोई इशू नहीं है. आई लेट इट दिस लेटर ऑन, ठीक है? ये तुम लोग की उसके लिए कि तुम लोग इसको आराम से बाद में देख लो.
मैं इसको लाइक साइड बाय साइड जो है ना सारी कंट्रीज को लिस्ट डाउन कर दूंगा ताकि तुम लोग देख सको और तुम लोग उसके लिहाज से जो है ना अपने शिपिंग जोन्स को ऐड कर सको। ठीक है, ई पैकेट इज बेसिकली अ मोर तो बेसिकली अली एक्सप्रेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सब वो है शिपिंग्स हैं। सबसे पहले जो बहुत पुरानी शिपिंग थी वो थी चाइना मेल। ठीक है, चाइना मेल का इश्यू ये है कि आपके पास प्रोडक्ट 40 दिन में पहुंचती है, 40 वर्किंग डेज में। फिर उसके बाद ई पैकेट आई। ई पैकेट में होता है क्या है कि 40 दिन में नहीं पहुंचती लेकिन 20 to 40 वर्किंग डेज में, और कुछ केसेस होते हैं जिसमें 15 वर्किंग डेज में भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो दिस इज ई पैकेट। ई पैकेट इज बेसिकली एन ऑल्टरनेट टू चाइना मेल, बट आपका प्रोडक्ट जो है वो 20 से 30 दिन में पहुंच जाता है। ठीक है, 20 से 30 वर्किंग डेज में। एंड आई नो दैट्स अ लॉट, बट अभी मैं उसके ऊपर भी बात डिटेल में करूंगा तुम लोग से। प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो आई वुड टॉक अबाउट मोर ऑन प्रोडक्ट प्राइसिंग एज अ होल, बट अभी फिलहाल मैं तुम लोग से इतनी बात करता हूं। देखो, अवॉइड रनिंग फ्री प्लस शिपिंग ऑफर्स, ये मैं पहले तुम लोग को बता चुका हूं। फ्री प्लस शिपिंग की तरफ मत जाना, उन प्रोडक्ट्स की तरफ मत जाना जो तुम लोग, याद रखो मैं फिर बता रहा हूं, कोशिश करो उन प्रोडक्ट्स की तरफ मत जाओ जिस पे जिसको तुम लोग $15 जो है जिसका प्राइस पॉइंट ना रख सकते हो। मतलब लेट सपोज एक कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी फेस वैल्यू बहुत डिपेंड करती है। काफी लोग मुझसे बोलते हैं सर $5 की प्राइस क्या, $5 वाले प्रोडक्ट की प्राइस ऑन एन एवरेज क्या होनी चाहिए। यू कैन नॉट डिटरमिन थिंग्स लाइक दैट। फेस वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अगर आप उसके, आपको क्या लगता है कि आप उसको कितने प्राइस पे रखोगे जिसपे आप भी खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे या कोई एक थोड़ा सा वेल ऑफ बंदा खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू मैटर्स अ लॉट। और प्लस आपके कॉम्पिटिटर्स क्या रख रहे हैं ये भी देख सकते हो आप। कुछ लोग $5, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है कि $5 को जो है ना वो मैक्सिमम उठा के $10 का बेच सके, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि $5 की चीज जो है ना उठा के आराम से $20 या $25 में बिक्री होती है। तो देयर इज नो रूल ऑफ थंब कि किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होती है। आपको इसमें स्प्लिट टेस्टिंग करके जो है ना चेक करना होता है कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट कितने में बिक सकता है। एक बात तो ये रखो। दूसरी चीज, कोई भी प्रोडक्ट जिसको आपको देख के लगता है उसकी फेस वैल्यू और प्लस उसकी प्राइस देख के, दोनों चीजें देख के कि उसको आप $15 पे प्राइस के प्राइस पॉइंट पे आप उसको नहीं लिस्ट कर सकते अपनी वेबसाइट पे, उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे मत रखो। ये मेरा सजेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, बुरा एक्सपीरियंस रहा इन रिगार्ड्स टू दिस। मैं तुम लोग को नहीं बोलूंगा, उसके काफी सारे रीजंस हैं। देखो, जब तुम लोग ड्रॉप शिपिंग करने जाओगे तो देयर इज लॉट ऑफ अदर कॉस्ट इन्वॉल्व एज वेल। तुम लोग को उन कॉस्ट को अपने दिमाग में रखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर सकता हूँ तुम लोग की एप्स की कॉस्ट, अगर तुम लोग किसी अच्छी प्रीमियम थीम की तरफ नहीं जा रहे, जैसे कि मैं कुछ अभी थीम्स बताऊंगा तुम लोग को। सही है, तुम लोग की जो है ना शॉपिफाई की कॉस्ट हो गई, तुम लोग की एड्स की कॉस्ट हो गई, तुम लोग के कुछ हो सकते कुछ और ओवरहेड्स हो सकते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल तुम लोग को ये बात दिमाग में रखनी है कि तो कोई भी प्रोडक्ट जिसको तुम लोग $15 पे प्राइस नहीं कर सकते, उस प्रोडक्ट को अपने शॉप पे मेरे हिसाब से मत पुश करो। ठीक है, दूसरी चीज, 60% ऑफ द विनर्स आर प्राइस बिटवीन 14 15 to $30। ये बात मैं, आई एम नॉट किडिंग, ये बात टेस्टेड है। एटलीस्ट नॉट ओनली, दिस इज नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम मी, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर ड्रॉप शिपर्स एज वेल, क्योंकि हम लोग का नेटवर्क है। एंड इफ यू टॉक अबाउट, इफ यू टॉक टू अदर ड्रॉप शिपर्स इन योर नेटवर्क, दे वुड प्रोबेबली अग्री टू दिस। 60% ऑफ द विनर्स आर प्राइस बिटवीन $15 to $30। ठीक है, सही है, यू कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम $15 to $35, कुछ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है इस नंबर में, लेकिन 15 to 35 तक जा सकते हो। लेकिन दूसरा स्लैब जो लगता है वो लगता है फिर $40 पे, विच इज 30% ऑफ द विनर्स। जो भी आप प्रोडक्ट्स देखते हो और आप निकालते हो, कम बिटवीन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम $30 to $70। एंड देन 10% ऑफ द विनर्स आर जो कि हाई टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं, आर अबव बेसिकली $70। सही है, तो कोशिश करना जब भी तुम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, तुम लोग इन प्राइस स्लैब्स के बीच में जो है सेलेक्ट करो। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, I'm not talking about cost, मैं बोल रहा हूँ ये price है जिस पे तुम लोग अपनी website पे रखोगे। अगर तुम लोग को कोई product नजर आता है और तुम लोग को लगता है कि उसकी face value और उसकी overall cost सारी चीजें consider करने के बाद तुम लोग उसकी price को $15 पे रख सकते हो profitable, then yes that product qualifies। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें भी आ जाती हैं,
चले मैं एक थोड़ा सा मैं इसमें जरा डिटेल में बात करना चाहूंगा ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी मिल जाए. लेट्स सपोज मैं एक बात बोलता हूँ कि कोई एक प्रोडक्ट है जो कि $2-2.5 की है और तुम लोग को लगता है, और मे बी $4 तक की है, और तुम लोग को लगता है कि तुम लोग उसको जो है ना $15 पे प्राइस कर सकते हो, ठीक है. लेकिन जब तुम लोग उसको प्रमोट करने जाओगे फेसबुक एड्स और गूगल एड्स पे, तो कोशिश करो कि तुम लोग ने जो अपने दिमाग में प्राइस रखी हुई है या तुम्हारे कॉम्पेटिटर्स ने जो ओवरऑल उसकी प्राइस रखी हुई है अपनी वेबसाइट पे, अगर वो $15 रखी हुई है तो इनिशियली तुम लोग उसको $12 से सेल करना स्टार्ट कर सकते हो. दैट इज जस्ट सो दैट यू कैन डेवलप सम डेटा पॉइंट्स ओवर इट. उस बारे में बहुत डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं जस्ट तुम लोग को सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ. ऑन इनिशियल प्राइस जो तुम लोगों ने सोची हुई है, तुम लोग उस चीज को ही कंसिडर करोगे, विच इज $15, ठीक है. कोशिश करो तुम लोग के पास से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हो वो $15 to $30 या 35, मैक्सिमम $35 तक के आ रहे हो, तो देयर इज अ गुड चांस कि वो 60, मतलब 60, मैंने जैसे तुम लोग को बताया 60% ऑफ द विनर प्रोडक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम बिटवीन दीस प्राइस रेंजेस, ठीक है. दिस इज नॉट द कॉस्ट अगेन. ओके, नाउ रिगार्डिंग प्राइसिंग देम, व्हेन यू आर प्राइसिंग देम ट्राई टू कंसिडर दीस प्राइस पॉइंट्स, ठीक है. 15, 14.99, 19.99, 24.99, 29.99, 34.99, 99, 39.99, then 44.99, and then as you can see यहाँ तक हर जगह $5-5 का फर्क है, लेकिन 49.99 के बाद there is a $10 gap and then again $10 gap, ठीक है. तो it goes on like that. मतलब I'm not saying that you cannot price it with प्राइस ऑफ 54.99, बट ये एक स्लैब वाली चीज है. एंड देन अगेन जैसे जैसे आप लोग के पास एक्सपीरियंस आता रहेगा, तुम लोग को ये बात समझ जाओगे कि प्रोडक्ट्स को कोशिश करो कि इन वैल्यूज के अंदर जो ना प्राइस इन इन प्राइस पॉइंट्स पे रखो. जब आप तकरीबन 50 की रेंज से बाहर निकलने लगते हो, तब आप थोड़े से ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हो जहां पे कस्टमर दो बार सोचता है खरीदने से पहले. दिस इज ऑल्सो द रीजन क्यू 60% प्रोडक्ट्स जो है वो 14.99 से लेकर 29.99 या 34.99 तक जो है फॉल करते हैं, ठीक है. तो ये बात याद रखना, नोट टू स्टार्ट सेल्स इनिशियली स्टार्ट विद अ प्राइस पॉइंट बिलो द स्मॉल प्रॉफिट मार्जिन टू चेक प्रोडक्ट डिमांड एंड बिल्ड पिक्सल डेटा टू दैट प्रोडक्ट. ये बात तुम लोग को और ज्यादा समझ आएगी जब मैं फेसबुक एड स्टार्ट करूंगा. देन प्राइस इट अप आफ्टर 20-30 सेल्स विद इंप्रूव्ड सेल्स प्रोडक्ट पेज एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है. डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, एक सेकेंड, लेट्स लेट मी ओके. हाउ टू नो विनिंग प्रोडक्ट, ये वो सारी चीजें, तो ये मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ इसके ऊपर, तो मैं कोई 3-4 सेशंस कर चुका हूँ, तो बेहतर है कि आप इसके ऊपर मजीद डिटेल में बात ना हो. मैंने तो तुम लोग को हर तरह के वैलिडेशन पॉइंट्स और सारी चीजें मैंने तुमको बताई हैं कैसे डिटर्मिन करें. डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, सो डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या है, मैं इस बारे में बात करूंगा. काफी सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरे पास $500 है, मेरे पास $1,500 है. कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि भाई मुझे स्मॉल गेम नहीं खेलना, मेरे पास $5,000 है. कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिन्होंने बोला है कि मेरे पास $15,000 से $30,000 है, बताए कितने क्या कर सकता हूँ, बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू गो. एंड बाय द वे जस्ट सो दैट यू नो, अभी मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या है, ठीक है. सो इन माय ओपिनियन, मैंने खुद से इन लोगों को नाम दिया है, देयर थ्री थ्री टाइप्स ऑफ ड्रॉपशिपर, सेफ ड्रॉपशिपर, एग्रेसिव ड्रॉपशिपर एंड ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉपशिपर, सही है. अब मैं पहले ब्रांड सेंट्रिक की तरफ बात कर लेता हूं. तो $15,000 से $30,000 है और आप लोग इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, अनलेस के आप लोग में से कोई ऐसा है, देन यू नीड टू कंसल्ट, यू नीड टू टॉक अबाउट इट, एंड देन वी कैन थिंक अबाउट इट, सही है. ये जो ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉपशिपर्स होते हैं, इन लोग मुझसे, तो एक बहुत कॉमन सवाल आता है अपील कम्युनिटी में भी आता है कि क्या हम एसेट बना सकते हैं ड्रॉप शिपिंग से, और ज्यादातर इसका जवाब भी आता है आप नहीं बना सकते, विच इज ट्रू अगर आप इन दो कैटेगरीज में फॉल करते हो. इफ यू आर ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉप शिपर, देन आप 7 फिगर्स तक का भी एसेट बना सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट बिकॉज वो एक लंबी तवील बात है और मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहा. देयर आर अदर मेट्रिक्स दैट आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज एज वेल, सही है, लेकिन मैं अभी उस तरफ नहीं गया हूं. मैंने बहुत सोच के ये पूरी स्लाइड बनाई है. आई मे चेंज इट अ बिट हियर एंड देयर, मे बी कुछ पॉइंट्स और मैं ऐड कर दूं, बट ऑल इन ऑल दिस स्टेज द सेम मोस्ट लाइकली, ठीक है. सो सेफ ड्रॉप शिपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेफ ड्रॉप शिपिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पहले तो मैं, अच्छा मैंने अर्निंग का ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा,
कि मेरे $100 भी बन जाए, मेरे $500 भी बन जाए, मेरे $300 भी बन जाए, बस कुछ ना कुछ मेरे बन जाए, ठीक है, महीने के एंड में $700 बन जाए, कभी बहुत छक्का पड़ गया तो $1,700 बन गए, कभी बुरे से बुरा गया तो बस मैं ब्रेक इवन पे रहूं, लेकिन मैं बस लॉस में ना जाऊं. एंड दिस सेफ ड्रॉप शिपर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज बिट रिलक्टेंट विद हिज मनी, एंड ही इज लाइक कि यार मुझे पैसा ज्यादा खर्च ऐसा बहुत सेफली करना है, मुझे बहुत ज्यादा मतलब उसकी तरफ नहीं जाना, लॉस की तरफ नहीं जाना, ठीक है, तो मैं $500-$1,000 शायद लॉस बेयर कर लूं, लेकिन उसके बाद दैट्स इट, आई एम डन. सो टेस्टिंग फ्रॉम जनरल स्टोर, टेकिंग विनर्स टू वन प्रोडक्ट, मतलब आप एक जनरल स्टोर बनाओगे, एक जनरल स्टोर पे आप रोज 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 नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करते रहोगे, उन नए प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ पैसा लगाते रहोगे, $5-$10 पर डे टेस्टिंग या जो भी दैट इज, सही है, और आप पैसा लगा लगा के उसके ऊपर जो है ना, वैसे $5-$10 इज कम, मैं बोलूंगा कम है ये, आई वुड से $15-$20 पर डे, सही है, आप पैसा लगाओगे, आप चेक करोगे विद फॉर 2-3 days, you will kill some ad sets, you will continue with some ad sets, जहां पे आपके कुछ ad sets profitability दिखाना शुरू करते हैं, आप थोड़ा सा पैसा और बढ़ाते हो, आप थोड़ा सा पैसा और बढ़ाने के बाद आपको जब उसके results पता लगने शुरू होते हैं, आप बोलते हैं okay, well and good है, मैं इस product, जो मैंने 6 products test करी हैं, 6 में से 5 fail हो गई, 1 अच्छा गई, उस 1 के अराउंड मैं जो हूँ एक 1 product store बनाऊंगा और उस पर फिर मैं सब कुछ स्केल करूंगा, एंड yes, आपका उस पर रिस्पॉन्स यूजली प्रोबेबिलिटीज की बहुत हाई होती है कि वो अच्छा होता है, क्योंकि जनरल स्टोर पे क्लटर ज्यादा होता है, जब आप उसी प्रोडक्ट को उठा के एक जनरल स्टोर, एक वन प्रोडक्ट स्टोर उसके अराउंड बना देते हो तो उसमें स्केलेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, दैट इज फॉर द सेफ ड्रॉप शिपर. टू चेकआउट का मैंने जो है अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस मैंने आप सब लोग को दिया हुआ है ECBC के कम्युनिटी में, और मैं फिर दे दूंगा, मुझे मसला नहीं है. एंड टू चेकआउट इज नॉट अ साइंस, बहुत इजी है, लेकिन मैं खुद करके नहीं बता सकता बिकॉज मेरा खुद का अकाउंट अप्रूव हुआ हुआ है, तो दैट्स समथिंग दैट यू गाइस हैव टू डू, अगर मसला आ रहा है तो फिर तुम लोग रखो सामने, ठीक है. स्लाइड्स मैं तुम लोग को इस सेशन के एंड में शेयर कर दूंगा, हर सेशन के एंड में मैं शेयर कर देता हूँ इसे, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी आप लोग आगे आगे मत भागे, मैं अभी आगे चल रहा हूँ. ओके, सो एग्रेसिव ड्रॉप शिपर कौन होता है? एग्रेसिव ड्रॉप शिपर वो होता है जो बोलता है यार मेरे पास $3,000-$5,000 है, यार मैंने जो है ना जल्दी जल्दी खेलना है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, जनरल स्टोर पे टेस्टिंग करूं, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, यस आई हैव अ लॉट ऑफ बजट टू प्ले अराउंड विद, ठीक है, और मैंने बजट जरा ज्यादा ज्यादा लगाना है, ठीक है, और सही है, वैसे मैं $3,000 की मैंने फिगर रखी हुई, $2,000 पे भी हो सकती है, लेकिन जस्ट गिव टू गिव यू एन आइडिया, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ड्रॉपशिपर्स जो होते हैं उनके पास $3,000-$5,000 का बजट होता है, टेस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन वन प्रोडक्ट स्टोर डायरेक्टली, वो जनरल स्टोर की तरफ नहीं जाते, वो प्रोडक्ट्स, उनकी प्रोडक्ट सर्चिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त हो चुकी होती है, उनके पास सेफ ड्रॉपशिपर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हाथ में आ चुका होता है, और उन और प्लस दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस. एंड देन अगेन आई विल गो बैक टू दैट वन स्लाइड जहां पे मैंने आप लोगों को वन थिंग के बारे में बताया था, इट रियली डिपेंड्स के व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इज वर्किंग फॉर यू. सेफ ड्रॉपशिपर के लिए सेफ ड्रॉपशिपिंग काम करती है, वो एग्रेसिव ट्राई करता है तो वो रिलक्टेंट फील करता है, और वो ज्यादातर सेफ फील नहीं करता, और ऑल्सो ही यूजली फील्स के नहीं आ रहा, आई हैव टू गो बैक टू दैट सेफ ड्रॉपशिपिंग जोन. तो एक ये क्लोजिंग द स्टोर आफ्टर सेल्स आफ्टर हैव एग्जॉस्टेड, एग्रेसिव ड्रॉप शिपर की एक बहुत ज्यादा एक कॉमन एग्जाम्पल ये होती है कि एक महीना फॉरन एक स्टोर खोला, टेस्टिंग करी नहीं चला, दूसरा स्टोर खोला टेस्टिंग करी नहीं चला, तीसरा स्टोर खोला टेस्टिंग करी नहीं चला, एक एक हफ्ते में तीन एक ही मतलब वन प्रोडक्ट, आपने एक डोमेन खरीद लिया, डोमेन तो आप बार बार चेंज कर सकते हो, आपने एक थीम खरीद ली, थीम सिंगल प्रोडक्ट के लिए मैं आप लोगों को दे दूंगा, आज नहीं दूंगा लेकिन आज मैं जनरल स्टोर की दे दूंगा होपफुली, यस. तो आप लोग ने जो है अगर आप एग्रेसिव ड्रॉप शिपर हो, आपने जो ना वन प्रोडक्ट स्टोर खोला, उसके ऊपर टेस्टिंग करी, थोड़ा सा बजट एग्जॉस्ट किया, नहीं हुआ, आगे बढ़ गए, फिर एक और स्टोर खोला, वन प्रोडक्ट स्टोर, टेस्टिंग करी, नहीं चला, आगे बढ़ गए, दिस इज हाउ एग्रेसिव ड्रॉप शिपर्स गो. ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉप शिपर्स, व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉप शिपर्स, मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ, एक बहुत जबरदस्त कंपनी होती थी ब्रांड सेंट्रिक, खत्म हो गई है डिलिशियसली, सही है, उसके अलावा इंस्पायर अपलिफ्ट, और मैं ऊपर बहुत सारी दूसरी भी एग्जांपल्स दे चुका हूँ आप लोग को, उस लिस्ट में
ऊपर एक लिस्ट थी जिसमें इंस्पायर लिफ्ट का भी नाम था, वो ज्यादातर ब्रांड ब्रांड सेंट्रिक होते हैं। ब्रांड सेंट्रिक क्यों होते हैं अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बस ऐसे भी बता दूं कि ये वो लोग होते हैं जो महीने का गेम नहीं खेलते, वो बोलते हैं कि हमने 6-8 महीने तक तो सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस और प्रोडक्ट्स बेचने, अभी किस तरह बेचते हैं प्रोडक्ट्स अभी उस पर भी आऊंगा, प्रोडक्ट्स बेचते हैं ये लोग, फोकस करते हैं अपने ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर, अपने लोगो, अपने पैकेजिंग के ऊपर, अपनी कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस के ऊपर, कड़ी उनकी फोकस इसके ऊपर होता है। एग्रेसिव ड्रॉप शिपर इस मामले में जरा बुरा होता है, सेफ ड्रॉप शिपर फिर भी बेहतर होता है एग्रेसिव ड्रॉप शिपर से। एग्रेसिव ड्रॉप शिपर जो मैंने देखे हैं मेजोरिटी, वो कस्टमर सर्विस, कस्टमर एक्सपीरियंस वगैरह को बोलते हैं भाई अभी बस बेचो, अपना पैसा कमाओ, स्टोर बंद करो, आगे बढ़ो। ठीक है, दैट्स हाउ आई हैव सीन अगेन। बट इसमें अच्छे वाले भी होते हैं, अभी मैं वो बताता हूँ करते कैसे हैं अच्छे वाले, मतलब बुरे नहीं होते एग्रेसिव ड्रॉपशिपर, डोंट नॉट गेट द आइडिया कि बुरे होते हैं। अब लेकिन उसमें 10% या 15-20% ऐसे होते हैं जो जरा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के साथ जरा बुरा कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, इसमें अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं। आगे एड्स स्पेंडिंग बजट मैंने आप लोगों को बता दिया, सेफ ड्रॉपशिपर का होता है $500 से $1500 के बीच में, एग्रेसिव का होता है $3000 से $5000। ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉप शिपर जो होता है, जो हम लोग ने मैंने आप लोग को बताया था, जो हम लोग ने स्टार्ट करा था जिसमें हम लोग ने $140,000 स्कोर करे थे, उसमें वो हमारा ब्रांड सेंट्रिक था। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रांड सेंट्रिक, जब मैं आप लोग से इंस्पायर अपलिफ्ट की बात करता हूँ तो ब्रांड सेंट्रिक वो होता है जब उसका वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा पावरफुल मार्केटिंग कोई चीज नहीं होती दुनिया में, कोई भी चीज हो ही नहीं सकती। जब उसका वर्ड ऑफ माउथ, जब लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर दें, जब कम्युनिटीज में उसके बारे में एग्जाम्पल्स रखनी शुरू कर दें, जब दूसरी वेबसाइट्स उसकी एग्जाम्पल देना शुरू कर दें, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग में 10 बीस्ट है, ड्रॉप शिपिंग में अभी करंटली इंस्पायर अपलिफ्ट है और कुछ और है, ठीक है, और डिलीशियसली था और बाकी और भी हैं जो मैंने आप लोगों को कुछ लिस्ट दी है, जब लोग उस स्टोर के बारे में ओपन कम्युनिटीज में बात करना शुरू कर दें तो दैट मीन्स कि वो एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है, हम लोग ने बात करना शुरू करी थी, आई कैन स्टिल रिमेम्बर, हम लोग बकायदा जो ड्रॉप शिपिंग कम्युनिटी जिस पे हम लोग थे उस पे गोरे ये बात पूछते थे कि यार ये वाले जो साइट है, ये नहीं बोला हर रोज पूछते थे लेकिन इट ऑफ्टन यूज टू हैपन कि हमारी फेसबुक ग्रुप्स में जो है बाकी गोरों के बीच में एकदम से नाम आता था और हम लोग उसका स्क्रीन शॉट लेके जो है ना बकायदा आपस में शेयर कर रहे होते थे फ्रेंड्स के, ये देखो मेरा नाम बकायदा लोग ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर बहुत ज्यादा जबरदस्त कर रहा है, व्हाट डू यू गाइस थिंक, इस तरह करके एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो दैट हैपेंस, बट दैट इज विद ब्रांड सेंट्रिक। हमारा जो बजट था वाज अप टू $30,000 और मैं आप लोग के साथ लाइव केस स्टडी शेयर करूंगा उस एड अकाउंट की जिसपे हम लोग ने $15,000 सिर्फ फेसबुक एड्स के ऊपर सर्च करे थे और हम लोग का जो टोटल स्पेंडिंग हुई होगी, टोटल मतलब एड स्पेंडिंग जिसमें इन्फ्लुएंसर एड स्पेंडिंग, गूगल एड स्पेंडिंग, फेसबुक एड स्पेंडिंग, अप टू $30,000 आराम से। मैं आप लोगों को वो एड अकाउंट दिखाऊंगा बट नॉट येट। सही है, सप्लाई स्ट्रेटजी, सप्लाई स्ट्रेटजी जो सेफ ड्रॉप शिपर की होती है यूजली इज विद अली एक्सप्रेस सप्लायर्स। कुछ लोग जाते हैं प्राइवेट एजेंट्स के पास या प्राइवेट सप्लायर्स के पास, सही है, प्राइवेट एजेंट वही प्राइवेट सप्लायर है बेसिकली, ठीक है। और एग्रेसिव ड्रॉप शिपर जो होता है वो होता है बेसिकली अली एक्सप्रेस पे स्टार्ट करता है, प्रोडक्ट का रिस्पांस देखता है, प्रोडक्ट रिस्पांस अच्छा जाता है वो फॉरन से प्रोडक्ट्स जो है ना फिर प्राइवेट एजेंट के पास जाके बात करता है और उससे जो है ना वो प्रोडक्ट्स बोलता है कि मुझे ये वाले इतने प्रोडक्ट्स चाहिए, फॉरन फॉरन मुझे अरेंज करके दो और मुझे इसका प्रोसेसिंग टाइम जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सही, मुझे प्रोसेसिंग टाइम भी कम करना है। प्राइवेट एजेंट जो होता है वो एटलीस्ट 30+ ऑर्डर्स की तरफ जाता है, वो फोकस यही करता है कि मैंने 30 ऑर्डर्स प्लस जाने हैं और फिर वो उस प्राइवेट एजेंट को पकड़ता है जो उसको इवन एक मिनट, आई गेस मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। सो ये क्या ये वाला प्राइवेट एजेंट जो होता है ये इससे डिफरेंट कैसे है? 10+ ऑर्डर्स, 30+ ऑर्डर्स, जो 30+ ऑर्डर्स वाला प्राइवेट एजेंट है यूजली ये वो प्राइवेट एजेंट होते हैं जो आप उनसे बोलते, इन वालों को बोलते प्रोसेसिंग टाइम कम चाहिए, बोलते कोई इशू नहीं आप हमें 10 ऑर्डर पर डे करना शुरू कर दो, हम आपको जो है ना देना शुरू कर देंगे 7 दिन 10 दिन के अंदर, मतलब 7 से 10 दिन के अंदर हम आपको शिपिंग टाइम प्रोसेसिंग टाइम देना शुरू कर देंगे। ये प्राइवेट एजेंट जो होता है ये बोलता है कि आप एक काम करो, ब्रांड सेंट्रिक हो आप, याद रखना इस वाले केस में,
वो बोलते हैं हमें 7 से 10 दिन के प्रोसेसिंग टाइम चाहिए कस्टमर के पास, 7 से 10 दिन के अंदर वर्किंग डेज के अंदर हमारा प्रोडक्ट हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अपनी पैकेजिंग हो, हमारे ब्रांड गाइडलाइंस उस पैकेजिंग में फॉलो हुई भी हो, और इन द लॉन्ग रन आप ये भी बोल देते हो कि प्रोडक्ट का नाम चेंज करो, प्राइवेट लेबलिंग की तरफ आ जाओ, सही है, तो आप फिर उस तरफ चल पड़ते हो, मतलब ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। कुछ लोग प्राइवेट लेबलिंग की तरफ नहीं जाते, वो सब ये बोलते हैं कि हम सिर्फ पैकेजिंग के साथ जाएंगे, सही है, और भले वो प्रोडक्ट का नाम वही रहे जो जो थे, जो कोई भी दे रहा है या जो भी है, व्हाटसोएवर, डजंट मैटर, वो बोलते हैं हम पर्सनल पैकेजिंग के साथ जाएंगे, हमारी पैकेजिंग एक खास ब्रांड गाइडलाइंस के तहत होगी, उसमें लोगो लगा हुआ होगा, जब वो पैकेजिंग खोलेगा तो उसमें थैंक यू मैसेज होगा, उस थैंक यू मैसेज के साथ, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बेसलाइन स्ट्रेटजी फॉर एड्स, सेफ ड्रॉपशिपर क्या करता है, यूजेस एड्स अवेलेबल ऑन फेसबुक फॉर सेम प्रोडक्ट्स और द वंस प्रोवाइडेड बाय सप्लायर, अगर पोटेंशियल है देन गेट्स एन ओरिजिनल वन मेड, ठीक है। एग्रेसिव ड्रॉपशिपर क्या करता है, सेम एज सेफ ड्रॉपशिपर, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, 50% to 70% जो सेफ ड्रॉपशिपर्स हैं, वो पहले ये जो ये वाला हिस्सा है ना, यूजेस एड्स अवेलेबल ऑन फेसबुक फॉर सेम प्रोडक्ट और द वंस प्रोवाइडेड बाय सप्लायर, इस वाले की तरफ रहते हैं, वो कभी भी सेकंड फेज में नहीं जाते, इफ पोटेंशियल, मतलब अगर उनको सेल्स नजर आई। लेकिन एग्रेसिव ड्रॉप शिपर यूजली यूजली और अप टू 60-70% के करता जरूर है कि वो अपना एड बनवा देता है। क्यों बनवाता है? क्योंकि एग्रेसिव, और शायद काफी लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे पास ड्रॉप शिपिंग में एड्स अकाउंट बहुत ज्यादा बैन होते हैं, वो उसके कुछ रीजन ही होते हैं कि जो जिसने वो वीडियो बनवाई होती है वो रिपोर्ट कर देता है उस वीडियो को। लेकिन जो एग्रेसिव ड्रॉप शिपर होता है वो यूजली अपने उस स्पेसिफिक उसको पकड़ता है, मतलब प्रोडक्ट को, उस वो पहले कहीं इंटरनेट से ही वीडियो उठाता है उसकी, अपने कॉम्पिटिटर्स की इधर उधर से, वो उनका लोगो हाइड करता है, उसके ऊपर कुछ पैसे फेंकता है, उसको अगर सेल्स नजर आती हैं वो उस प्रोडक्ट को उठा के फिर एक प्राइवेट वीडियो बनवा देता है, मतलब उसकी, मतलब आप लोगों को पता ही होगा अली एक्सप्रेस पे वीडियोस और कुछ चीजें तो अवेलेबल होती हैं, वो कहीं इधर उधर से जो ना थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह कट वगैरह करवा के, कुछ लोगों ने उस प्रोडक्ट के रिव्यूज दिए हुए होते हैं यूट्यूब पे, उनकी कुछ वीडियोस कट करवा के जो ना फिर उसकी एक वीडियो बनवा देता है। आपको इन सारे हैसल में पड़ने की जरूरत नहीं होती है, फाइबर पे सारे लोग पहले से जो ना एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए होते हैं, आप उनको सिर्फ प्रोडक्ट दे दो, उनको बता दो ये सारी सोर्सेज है, तुम इन सोर्सेज को यूज करके जो ना एक प्रोडक्ट की वीडियो बना सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि वो वीडियो इस तरह की बनी हुई हो। आई विल कम टू दैट कि वीडियो बननी कैसी चाहिए, अभी मैं सेशन में बात नहीं करूंगा। ब्रांड सेंट्रिक ड्रॉपशिपर जो होता है ऑर्डर्स द प्रोडक्ट, फिल्म्स इट एंड देन यूजेस ओरिजिनल कंटेंट टू प्रमोट देम ऑन फेसबुक एंड गूगल, और आउटसोर्सेस इट यूजिंग टिंगली मीडिया। व्हाट इज टिंगली मीडिया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जल्दी से, दिस इज टिंगली मीडिया। टिंगली मीडिया और टिंगली मीडिया जैसे और भी हैं, लेकिन टिंगली मीडिया इज नोन फॉर ड्रॉप शिपिंग, इट इज वेरी फेमस एंड गेट्स यू वेरी हाई क्वालिटी पर्सनलाइज्ड ड्रॉप शिपिंग वीडियो जो पूरी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, यहां तक उनकी 3D एनिमेशन भी वो लोग अपनी पर्सनलाइज बनवा के आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, हर चीज है, मैंने आप लोगों को कुछ शायद ड्रॉप शिपिंग की वीडियो शुरू शुरू के लेक्चर में दिखाई थी, वो सारी वीडियोज ऐसी हैं, बहुत जबरदस्त वीडियोस हैं, और वो सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि टिंगली मीडिया बहुत आराम से खुद से बनवा के दे देता है। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग ये सोच रहे यार $350, $500, $800 कौन देगा, कोई पागल ही होगा जो देगा, जो पागल होते हैं जो देते हैं वही $10,000 और $20,000 प्रॉफिट स्कोर करते हैं, ठीक है, बेयर दैट इन योर माइंड, सही है। आगे प्रोसेसिंग शिपिंग टाइम्स, सेफ ड्रॉपशिपर जो है ही स्टिक्स टू ई पैकेट, 20 to 40 days जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो पहुंचता है। ई पैकेट में प्रोडक्ट्स 15 दिन में भी पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने बस इसमें एक एवरेज वो लिख दिया। एग्रेसिव जो है वो पहले 20-40 days वाले की तरफ जाता है, फिर वो जब प्राइवेट एजेंट की तरफ जाता है तो प्राइवेट एजेंट जो है उसको 7 to 10 days का प्रोसेसिंग टाइम, शिपिंग टाइम दे देता है। ब्रांड सेंट्रिक जो है वो कोशिश ही मतलब शुरू से यही बोलता है कि भाई मैंने ब्रांड इमेज बनानी है, मैं शुरू से ही 7 से 10 दिन वाले पे जाऊंगा, मैंने इन सारी खच्चल खौरे में नहीं पड़ना,
20 से 40 दिन, क्यों? क्योंकि मुझे अपने कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करना है। अभी हम और ज्यादा बात करेंगे इसके ऊपर, कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरह इम्पैक्ट करता है। कस्टमर पैकेजिंग नॉट अवेलेबल सही है, शायद कुछ ऐसे आप लोग सप्लायर्स बता दो या बाहर हो जो एग्रेसिव ड्रॉपशिपर को दे दे विद 10 ऑर्डर्स पर डे के लिहाज से, आई डोंट नो इफ एनी, बट यस ब्रांड सेंट्रिक इफ यू आर गिविंग अवे 30 ऑर्डर्स पर डे तो वो आपकी जो है ना पर्सनल पैकेजिंग भी आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट रुकिएगा। जी पोस्चर करेक्टर, आप सही बोल रहे हो, पोस्चर करेक्टर की जो वीडियो थी दैट वाज आई थिंक मेड बाय टिंगली मीडिया, आई एम नॉट रॉन्ग, या पोस्चर करेक्टर वाज मेड बाय टिंगली मीडिया, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द इंपैक्ट ऑफ पैकेजिंग एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप करो बिकॉज आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। अभी इस टाइम पे आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट जो कि ऑन एन एवरेज $25 पर सेल मतलब प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। आई एम वर्किंग ऑन दैट वन प्रोडक्ट राइट नाउ, वी आर नॉट डूइंग एनी पर्सनल पैकेजिंग ऑन दैट। ठीक है, बट दिस इज द इंप्रेशन, जब आप ब्रांड सेंट्रिक जा रहे होते हो और आप पर्सनल पैकेजिंग सेलेक्ट करते हो तो यू नो दिस फॉर अ फैक्ट कि जब अली एक्सप्रेस से कोई प्रोडक्ट आता है तो वो ऐसा दिखता है। मैंने भी मंगवाया है और आपने भी मंगवाया है। ठीक है, Whereas, जब आप पर्सनल पैकेजिंग में मंगवाते हो, and I'm not kidding, आप बकायदा इस तरह की पैकेजिंग में अपना प्रोडक्ट भेज सकते हो with a thank you message. So, customer experience matters a lot, and you guys know this for a fact. अभी मैं तुम लोगों को इसका और ज्यादा इंपैक्ट दिखाऊंगा, as a case study नहीं दिखा सकता because I don't have the screenshot right now, but I was working with a client जिसने अपना ब्रांड सेंट्रिक बनाया हुआ था और उसका उसका मैं तुम लोग का अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है लेकिन मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि विदाउट ब्रांड सेंट्रिक और ब्रांड सेंट्रिक का कितना फर्क आ जाता है। ठीक है, व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, लेट्स सपोज ये एटसी से है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आई मीन इंटरनेट से क्योंकि मैं जो उठाई हुई है, लेकिन आप बिल्कुल इसी तरह की कार्डबोर्ड जो है एक वो भिजवा सकते हो थैंक यू मैसेज विद, इसमें मेन कैच क्या है, द कूपन कोड। ठीक है, एंड व्हेन दे रिसीव इट दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट, नेक्स्ट टाइम उनको आपके प्रोडक्ट की तरफ से कोई एड नजर आता है दे विल यूज दैट कूपन कोड। सही है, स्केलिंग सीक्रेट फुलफिलमेंट एंड पैकेजिंग, तो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ दिस नो सीक्रेट इन इट बट सक्सेसफुल, एंड व्हेन आई मीन सक्सेसफुल आई मीन बिग ड्रॉप शिपर्स जो 10 ऑर्डर से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं निश स्पेसिफिक स्टोर्स की तरफ या कुछ ऐसे स्टोर की तरफ जिसपे वो ज्यादा सेल्स प्रोवाइड करके दे सकते हैं, वो इनके पास जाते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग इन वीओ, आई कैन शो यू वन ऑफ देम, सी तो आप ये देख सकते हैं, देख सकते हैं आपको पूरा। ठीक है, और क्योंकि अगर आपका ये सप्लायर होगा तो ये मैं बता दूं, कुछ लोग थोड़ा सा डिफरेंट एक अप्रोच रखते हैं और वो मैं अभी आप लोगों को समझा दूंगा कि सप्लायर डिफरेंट होता है और जो कार्डबोर्ड की जो आप थैंक यू मैसेजेस और ये पैकेजिंग करवा रहे हो तो आप किसी और से करवाते हो, आप सिंपली ये कर लो कि आप अपने सप्लायर से बात कर लो तो वही आपको $1-2 ऊपर करके बाकी चीजें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सो बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, सीजे ड्रॉप शिपिंग और वीओ वो दो सप्लायर्स हैं जिनके साथ हमने भी काम किया हुआ है। ये अगर आपके 10+ ऑर्डर्स आप दे रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स, फिर मैं आपको बता रहा हूं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो फिर ये आपको उसके लिए प्रोसेसिंग टाइम्स 7 to 10 days डिपेंडिंग या आपको बात करनी पड़ेगी आपको प्रोवाइड कर देगा। मोस्ट प्राइवेट फुलफिलमेंट एजेंट्स आर 30+ ऑर्डर्स, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, रिमेंबर पैकेजिंग इज द फर्स्ट थिंग अ कस्टमर गेट्स एंड हैज अ ह्यूज इंपैक्ट on customer feedback score. Now, what is customer feedback score? सही है, मतलब feedback तो आप तो समझ ही गए होंगे, लेकिन this specific term that I've used comes on. अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को. Remember that point, customer feedback score. सही है.
और ये और सप्लायर्स हैं, आप लोग इनसे भी बात कर सकते हो इफ यू गाइज वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स दैट. इनसे पूछ लो कि इफ आई एम प्रोसेसिंग 10 orders पर डे, डू यू थिंक यू गाइज कैन प्रोवाइड मी अ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 7 to 10 days. पूछ के देखो, बात करके देखो, बात करके ही आप लोग को ज्यादा समझ आएगा, ठीक है पहले. लेकिन अभी आप लोग का स्टेज नहीं है, अभी तो आप लोग को प्रोडक्ट्स देने हैं. अगर कोई विनिंग प्रोडक्ट निकला तो उसके बाद आप लोग इस तरफ जाओगे. 3 ways टू गेट कस्टम पैकेजिंग, गो टू अलीबाबा एंड सर्च फॉर कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग. दैट्स वन वे, वी हैव डन दैट. द सेकंड वे इज मोर इजियर, आस्क योर सप्लायर लाइक वीओ और सीजर ड्रॉप शिपिंग कि भाई आप लोग क्या हमें पैकेजिंग भी प्रोवाइड करके देख सकते हो. एंड द थर्ड वन इज इफ यू वॉन्ट टू गो एक्स्ट्रा माइल, विच आई डू नॉट रिकमेंड, अगेन आई एम सेइंग इट आउट अलाउड, विच आई डू नॉट रिकमेंड, फॉर अमेजिंग अमेजिंग पैकेजिंग यू कैन गो विद द फैक्ट्री, ठीक है. एंड इनकी पैकेजिंग बहुत बहुत क्रेजी होती है. आई हैवंट यूज देम, बट वन ऑफ माई क्लाइंट्स इज यूजिंग इट फॉर देयर ड्रॉप शिपिंग स्टोर, एंड दैट्स अगेन अ वेरी हाई क्वालिटी ब्रांड सेंट्रिक स्टोर, ठीक है. सो यू गेट टू हैव अ पैकेजिंग एज क्रेजी एज दिस वन, बट इट्स एक्सपेंसिव, सो आई वुडंट रिकमेंड. बट हू नोस, मे बी तुम लोग में से कोई बहुत वॉन्ट्स टू गो बिग. Buying inventory for winners in advance. If you're selling 100 units per day for your product, buy 3 to 4 days of inventory in advance. Ek to ye baat rakho. Sahi hai? But if you can't do that and if you think that that is a lot of hassle, then ask your supplier if he has shipping lines that would get things out to US in US and Europe in 7 to 10 days, and then stick to that. ठीक है? ये कर सकते हो. तो वो खुद ब खुद automatically तुम लोग का माल जो है ना अपने पास stock करते रहेंगे depending on your demand. कि तुम लोग कितनी डिमांड वो कर रहे हो. इवन इफ यू एंड गो फॉर विद दिस ऑप्शन, इवन इफ यू हैव टू पे 2 to 3 extra dollars फॉर द शिपिंग, एंड इट्स वर्थ इट, ट्रस्ट मी, ठीक है. बिकॉज जो आप लोग का कस्टमर एक्सपीरियंस होगा दैट वुड रिजल्ट इन दिस पॉइंट, ग्रेटर ROI फ्रॉम रिपीट परचेजेस, याद रखना, एंड मिनिमाइज नेगेटिव रिव्यूज स्पेशली ऑन थर्ड पार्टी साइट्स लाइक ट्रस्ट पायलट. एंड ट्रस्ट मी, हम लोग ने जो ब्रांड सेंट्रिक स्टोर बनाया था आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले इनफैक्ट, उसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि हम लोग की उस जमाने में इस तरह का कोई जमाना, मतलब ये चीज चली नहीं थी कि लोगों को इतनी अवेयरनेस थी नहीं कि हम लोग सीजे ड्रॉप शिपिंग या इन बाकी वीओ वगैरह की तरफ जा सकते हैं या थर्ड पार्टी एजेंट्स की तरफ जा सकते हैं. उस वक्त इतनी ये चीज मशहूर नहीं थी. लिहाजा आप वही 20 से 40 दिन का जो है ना ड्रॉप शिपिंग टाइम रखते थे, और डिलीशियसली भी का भी यही सीन है. अब मैं आपको बताता हूँ इसका मसला क्या होता है. इसका मसला ये होता है कि अगर मैं डिलीशियसली की ट्रस्ट रिव्यूज देखूं तो आप लोग देख सकते हो ट्रस्ट पायलट पे इसका क्या रिव्यू आ रहा है, 1.3 out of 73. दिस स्टोर इटसेल्फ हैज क्लोज्ड डाउन नाउ, बट ये स्टोर बहुत मशहूर होता था. दे यूज्ड टू सेंड आउट हाई वॉल्यूम्स ऑफ ऑर्डर्स टू देयर कस्टमर, वेरी हाई. ये एक प्रॉपर ब्रांड सेंट्रिक था, लेकिन दे हैव फेल्ड टू केटर दैट. इनका कस्टमर एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा है कि दिस हैज रिजल्टेड इन दिस, ठीक है. आई डोंट नो इंस्पायर अपलिफ्ट का क्या है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो, सो आई रियली कांट से. बट एज यू कैन सी, मैंने अभी आप इंस्पायर अपलिफ्ट की बात करी है, एंड आप लोग ऑर्डर करके देख लो इंस्पायर अपलिफ्ट से. दिस इज अ टिपिकल ड्रॉप शिपिंग स्टोर जस्ट लाइक द वन दैट यू कैन बिल्ड, एंड आप लोग इसका जो है ना वो कस्टमर एक्सपीरियंस देख सकते हो कितना जबरदस्त है. कस्टमर एक्सपीरियंस, ड्रॉप शिपिंग टाइम, शिपिंग टाइम्स, प्रोसेसिंग टाइम्स और आपकी पैकेजिंग से जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, ठीक है. इस बात को अपने दिमाग में रखना, मिनिमाइज नेगेटिव रिव्यूज स्पेशली थर्ड पार्टी साइट्स लाइक ट्रस्ट पायलट, बिकॉज़ पीपल गोरे खास तौर पे दे हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग अबाउट ऑन द वेबसाइट्स एंड सर्चिंग फॉर ट्रस्ट पायलट रिव्यूज फॉर द पर्टिकुलर वो. इसके अलावा नेगेटिव जो आपका वो स्कोर होता है उससे इंपैक्ट क्या पड़ता है, वो पड़ता है इस चीज के ऊपर, कस्टमर फीडबैक स्कोर. ये आपका फेसबुक पे होता है आपके पेज के ऊपर. अगर आपका फीडबैक स्कोर गोज बिलो द पेनल्टी थ्रेशहोल्ड, आपका वो पेज बैन हो जाता है, आपका वो एड अकाउंट भी बैन हो सकता है. बट अब आप ये बोल लोगे तो फिर ड्रॉप शिपिंग कैसे हमारे पास मुमकिन रही. मुमकिन रही जो एग्रेसिव है ना, जो एग्रेसिव ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ठीक है, वो पहली बात तो वो करते ही है कि वो फोकस करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि वो विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते हैं, विनिंग प्रोडक्ट पे कुछ प्रोडक्ट्स वो लोग बाहर निकालते हैं और उनकी सेल करवाते हैं.
आपका फीडबैक स्कोर एकदम धड़ से नीचे नहीं आ जाता। आप बेचोगे जब 100-200 प्रोडक्ट्स, तब जाके आपका इस तरह का आएगा ना। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, वो फॉरन से फिर जो है ना एजेंट के ऊपर पास जाते हैं और उससे जो अपना वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, और फिर प्रोसेसिंग टाइम बाई ह्यूज काफी कम करवा देते हैं। जनरल स्टोर क्या करता है? जनरल स्टोर ये करता है कि जनरल स्टोर जो है ना अपने स्टोर के अराउंड जब वो पूरा प्रोडक्ट स्टोर खोलता है, तो वो कोशिश ये करता है कि अब अली एक्सप्रेस पर भी आपके पास ऐसे सप्लायर्स आ गए हैं जो 7 दिन के अंदर प्रोडक्ट यूएसए पहुंचा रहे होते हैं, तो वो उन सप्लायर्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई होप इफ आई कैन फाइंड वन ओवर हियर आई विल बी एबल टू शो यू। बल्कि इनफैक्ट अब सप्लायर्स ने अपने ही इन थंबनेल्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया है कि शिपिंग टाइम बहुत कम होगा इस चीज का। एक सेकेंड, मैं इसको ऑर्डर क्वांटिटी के लिहाज से अरेंज करता हूँ। जैसे यूएस वेयर हाउस लिखा हुआ है ना, ये इसमें लिखा हुआ है यूएस वेयर हाउस। लेट्स सी, तो यूनाइटेड स्टेट्स, मुझे 25 पीस इस मास के मंगवाने, डिलीवरी टू यूनाइटेड स्टेट्स, नहीं ये दिस इज अलॉट, सो वी विल इग्नोर दिस वन, बट आई हैव सीन अलॉट, मतलब हर तीसरा चौथा जो है ना आजकल इज प्रोवाइडिंग सच शिपिंग टाइम्स नाउ इवन ऑन अली एक्सप्रेस। बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा एंड आपको सप्लायर से जाके बात भी करनी होगी। 24 आवर शिपिंग, लेट्स सी दिस वन। ट्वेंटी फोर आवर्स तो नहीं होगी, ये भी फजूल है। एक चेक रिपब्लिक, लेट्स सी, मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ अभी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। ये देखें, चेक रिपब्लिक, यूरोप में, यूनाइटेड किंगडम में मैंने मंगवाना है, 4 से 10 दिन के अंदर जो है ना ये प्रोडक्ट पहुंचा देगा, 4 से 10 दिन के अंदर, और इसकी लॉजिस्टिक रिलायबिलिटी भी बुरी नहीं है जैसे यू गाइस कैन सी। ठीक है, तो व्हाट इफ वी सेलेक्ट शिप फ्रॉम यूएस फिल्टर। हाँ, तो आई होप अली आपको उसका जवाब मिल गया। फीडबैक स्कोर, यू मीन कस्टमर फीडबैक स्कोर ऑफ एनी प्रोडक्ट? कस्टमर फीडबैक स्कोर आपके पूरे पेज का होता है या आपके पूरे बिजनेस का होता है जो कि बिजनेस पेज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सही है। मैं जिस कस्टमर के साथ काम कर रहा था, उसका मैं ग्राफ देख रहा था, ही हैड अ वेरी नाइस ग्राफ। एनी थिंग विच इज अबव 2 or 2.5 इज एवरेज, 3 इज गुड, एंड अबव 3.5 इज कंसिडर्ड वेरी गुड। एंड उसका जो कस्टमर फीडबैक स्कोर था वॉज 3.8 or 4, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बिटवीन दोज लाइन्स, दैट इज कंसिडर्ड रियली गुड इन ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ, इज कंसिडर्ड अमेजिंग। ठीक है, तो ये बात याद रखना। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और कवर करवा देता हूँ सेफ ड्रॉप, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पे सेफ ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटजी कर रहे होंगे, तो मैं पॉइंटर्स आप लोग को दे देता हूँ। सेफ ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटजी में मैंने कुछ वायर फ्रेम्स वगैरह बनाए हैं, जिससे यू गाइस कैन गेट द हैंग ऑफ इट। सही है। स्टोर, तो सेफ ड्रॉप शिपर नेवर डायरेक्टली स्टार्ट विद अ निश स्टोर, आई मीन वेन आई टॉक अबाउट निश स्टोर, यस ही स्टार्ट्स विद अ निश स्टोर। He can start with a niche store, that is not a problem, but never starts with a one product store. ठीक है, मतलब बस एक single product के around जो है ना उसने direct store खोल दिया। For example, मैं अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ, and I hope I can find it. Guys, one second, मुझे जरा stop share करना पड़ेगा. I just want to show you an example. अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास एग्जाम्पल दिखाने के लिए नहीं है, मैं चाह रहा था तुम लोगों को दिखा देता, लेकिन वन प्रोडक्ट स्टोर
जिसके साथ तुम लोग कुछ उसी निश से रिलेटेड, देखो निश प्रोडक्ट और वन प्रोडक्ट स्टोर को मैं एक तरह से एक जगह कैटेगराइज कर सकता हूँ, उसका रीजन है, मैं शेयर कर दूं वापस स्क्रीन, ठीक है, उसका एक रीजन है, मैं बताता हूँ तुम लोग को, उसका रीजन ये है कि निश प्रोडक्ट में आप निश स्पेसिफिक ज्यादा प्रोडक्ट्स रख लेते हो, जब आप वन प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हो तो आप यूजली दो तीन चार प्रोडक्ट्स रख लेते हो वन प्रोडक्ट के साथ, जब आप एड टू कार्ट करते हो या चेकआउट की तरफ आते हो तो वहां पे आप अप सेल कर रहे होते हो, कुछ चीजें डाउन सेल कर रहे होते हो, ठीक है, तो दैट रियली डिपेंड्स एक्चुअली कि इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि वन प्रोडक्ट स्टोर के साथ तुम लोग जो हो अप सेल करो, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बिकॉज नहीं तो तुम लोग की एवरेज ऑर्डर वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है। flexposture.com, उस्मान ने एग्जाम्पल दी है, वो मैं थोड़ा दिखा दूं, ओके ठीक है, नेवर माइंड, कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ एग्जाम्पल देनी थी, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। वन प्रोडक्ट स्टोर या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट स्टोर जो कि आपको ये लगता है कि मैं डायरेक्टली बस एक प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बाकी प्रोडक्ट्स बस अपसेल के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट, या ऐसा स्टोर डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट सेफ ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटेजी, स्टार्ट विद जनरल स्टोर एंड टेस्ट प्रोडक्ट्स, इफ यू हैव अ विनर बिल्ड अ निश स्टोर अराउंड इट अराउंड दैट और वन प्रोडक्ट स्टोर अराउंड दैट एंड देन स्केल, Have all products displayed at a 50% cut off price, ठीक है? और scarcity वाली आपकी वो आपकी वो चीजें लगी हुई हो, ठीक है? स्टोर एप्स बहुत मशहूर जो हैं वो ये हैं, क्लाविओ, प्रिवी, लूक्स, लूक्स इज फॉर रिव्यूज सो दैट यू कैन इम्पोर्ट योर अली एक्सप्रेस रिव्यूज ऑन योर स्टोर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑप्शन बाय बोल्ड, Shop Pop frequently bought together and Trackify frequently bought together is like an upsell app. बाकी जो है मैं तुम लोग को बाद में बता दूंगा कौन सा काम क्या चीज कर रही होती है। Klaviyo is an email marketing email journey app used for that. और बाकी मैं तुम लोग को विद टाइम बता रहा हूँ। Trackify का बहुत important role है for general store, ठीक है, अभी मैं इस चीज को कवर नहीं करूंगा, जब मैं फेसबुक एड्स के ऊपर आ रहा तब मैं ट्रैकिफाई को वो करूंगा कवर, ठीक है, लेकिन ये एक, इसके अलावा बहुत सारी और भी एप्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्स हैं, इनका तुम लोग को नाम याद रखना है, ठीक है। वाई फ्रेम फॉर ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट पेज, सो इफ यू कैन सी दिस इज अ वाई फ्रेम बिल्ड बाय मी स्पेसिफिकली, ये यू विल नॉट गो अबाउट फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ वाई फ्रेम एनीवेयर एल्स, बट आई थॉट आउट एंड अबाउट टू एक्चुअली लिस्ट दैट डाउन। प्रोडक्ट का इमेज आई, नीचे उसकी सब और इमेजेस आ गई या साइड में जैसे भी, ठीक है, कटआउट प्राइस लिखी हुई आपकी, प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट आपने लिखा हुआ है, हरी ओनली 10 लेफ्ट इन स्टॉक, ये एड ऑन के थ्रू आती है, ये आपके बिल्ट इन स्टोर के अंदर ये फीचर होता है, 9 hours 40 minutes 27 seconds रिमेनिंग। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स, अगर आप लोग ये देखो H1 लाइनर, H1 हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 पे मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट वन लाइनर हेडलाइन, एक वन लाइनर हेडलाइन लिखोगे वो किस तरह की हेडलाइन होगी, वो होगी इस तरह की, कॉम्बैट पुअर पोस्चर एंड ड्रेडफुल पे बैक एक्स फ्रॉम सिटिंग ऑल डे, या यू कैन थ्रो अ क्वेश्चन एज वेल, ठीक है, कि आर यू फेसिंग बैक एक्स बैक एक्स ऑल डे जस्ट फ्रॉम सिटिंग, ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट वन लाइनर दी। उसके बाद पुट अप अ वीडियो, आइडियली अ वीडियो और it says hold on please yeah put up a video, ideally मैं फिर बता रहा हूँ video set कर लो तो बेहतर है कि वो product किस तरह उसका use दिखाया हुआ हो, हर चीज दिखाई हुई हो, या उसके जो ना एक gif image add कर दो, एक से दो paragraph की जो है ना एक description लिखो what the product does and then move on to the second gif image and then talk about के one para में के sentences how the product does it, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, आप लोग इसके साथ यू कैन प्ले अराउंड विद इट, ठीक है, एंड देन पुट अप अनदर वीडियो और इमेज, ठीक है, दैट हैज और उसके नीचे जो है ना पुट अप 4 to 5 पॉइंट्स दैट हाइलाइट्स द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट
and what the product entails, and then finally at the last give your promise to the buyer ke aur phir baki cheeze sahi hai wo abhi main aur sari cheeze yahi sari cheeze aage highlight kar raha hu. I'll give you an example of one of such product pages that we made. Theek hai, as you can see ye hum log ne banaya hai. इसको वैसे हम लोग मिडिल अलाइन करना चाहिए था, इसको और जरा बड़ा फॉन्ट पे करना चाहिए था. लुकिंग टू सेट अप योर चार्जिंग गेम, सही है, वीडियो डाली हुई है, फिर उसके बाद वन लाइनर डाला हुआ है, फिर एक जिफ इमेज डाली हुई, फिर एक और वन लाइनर डाला हुआ है, उसके बाद प्रोडक्ट फीचर्स डाले हुए. हम लोग दो तीन और भी ऐड कर सकते थे लेकिन फिलहाल हम लोग को यही दो समझ आए तो हमने ये दो ऐड करें. फिर गारंटी ऐड करी है, नॉट सोल्ड इन स्टोर्स हम लोग ने उसमें कर दिया ताकि एक इंप्रेशन मिल जाए कस्टमर को कि भाई ये प्रोडक्ट इज basically not something that is can easily be found out in supermarkets and all. And then uske alawa ek do points aur add karke ye template ka part hai. theek hai, one liner products ke maine yahan pe examples di hui hain, other product based headlines maine di hui hain. How to use frequent ये नीचे आएंगे इसके से, ये साइज चार्ट स्पेसिफिकेशन टेस्टिमोनियल्स भी डाल सकते हो तुम लोग. ठीक है, प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये मैंने एक स्क्रीन शेयर कर दी कि क्या क्या चीजें जो है जरा इंपॉर्टेंट होती है जनरल स्टोर के लिए आजकल के जमाने में. दिस नंबर ओवर हियर बिल्ड्स ट्रस्ट, दिस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन अबाउट अस शुड बी ऑन टॉप नेविगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. स्कार्सिटी के लिए यू कैन सेट अप 10 सोल्ड इन लास्ट 23 आवर्स, एंड ये दोनों चीजें काफी इट शोस स्कार्सिटी के मतलब द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी आउट ऑफ स्टॉक सून. ठीक है, इसके अलावा और कुछ चीजें यहां पर मैंने हाईलाइट करी हुई है, डिफरेंट स्टोर्स क्या क्या कर रहे हैं, 2-3 पैर डिस्क्रिप्शन, इन चीजों को भी देख लेना. हाई क्वालिटी इमेजेस विदाउट वाटरमार्क्स, वाटरमार्क्स हटा दो, हाई क्वालिटी इमेजेस ढूंढो वरना प्रोडक्ट की को मंगवा के उसकी इमेजेस लो. नॉट सोल्ड इन स्टोर्स लिमिटेड क्वान्टिटी रिमेनिंग, हैव ऑल प्रोडक्ट्स बी डिस्प्लेड एट 50% कट ऑफ एंड एड कूपन बैनर. ठीक है, एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कूपन बैनर, मतलब ये तुम लोग कर सकते हो, ये हम लोग अपने ब्रांड सेंट्रिक वाले स्टोर में करते थे, इट यूज्ड टू वर्क लाइक क्रेजी. ठीक है, बहुत अच्छा काम करता था. प्रोडक्ट फीचर्स किस तरह तुम लोग के आ रहे हो, सारी चीजें, ये सारी चीजें अपने दिमाग में याद रखना. ठीक है, एंड 3-5 कस्टमर प्रॉमिस एग्जाम्पल्स डाल दो, 60 डेज मनी बैक गारंटी, सेफ पेमेंट विद पेपल एंड स्ट्राइप, ट्रैकिंग नंबर फॉर एवरी ऑर्डर, सही है. एंड थीम्स फॉर जनरल स्टोर, good themes are highest converting paid themes so far that I know of are booster theme 3.0, shoptimize and ecom turbo has built in scarcity themes, fast load time hota hai inka, bahut tez load time hota hai, and the conversion funnel is very optimized, it's like really optimized and very easy to buy. theek hai, and highest converting free theme jo hai wo brooklyn hai jo ki shopify ki hoti hai, for those people who do not want to invest $150, $200 or $250 with these themes, they can go with brooklyn. theek hai, so yeah, for today that's just about it. I'll start taking in questions, and crap, I just forgot to share the sheet. I'll go with the questions then, lekin I will only be answering a certain amount of questions, which is 7 questions. theek hai, I'll be going about answering 7 questions, the 7 or 8 first questions, that's it. जी जी जुल्कर्नैन, सर आपने भी ये बताया था कि स्टार्ट जो किया जाए वो जनरल स्टोर से किया जाए, और अगर जो प्रोडक्ट आपका विनिंग है उस पे फिर हम जो है नीचे स्टोर बनाए, इज दैट राइट? या ठीक है. एंड अच्छा, ये जो अभी आपने प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, ये हमें कब तक जो है इसके डेडलाइन, जो सर मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं जी. अच्छा, सो यस, आई हैव सेड दिस 100%, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ साथ साथ में. देयर इज नो हार्म इन क्रिएटिंग एन स्पेसिफिक स्टोर, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन प्रोडक्ट स्टोर. वन प्रोडक्ट स्टोर में मैंने बताया जो एग्रेसिव ड्रॉपशिपर होता है वो वन प्रोडक्ट स्टोर पे वन प्रोडक्ट स्टोर बनाता है, वो निश की तरफ जाता है, ही डज, मतलब लोग करते हैं, ड्रॉपशिपर्स एक्सपीरियंस ड्रॉपशिपर्स भी करते हैं, लेकिन अगर व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, द क्वेश्चन इज, अगर आप जनरल स्टोर नहीं खोलना चाह रहे और आप बोलते हो कि यार मुझे खोलना ही निश स्पेसिफिक था, तो फिर उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप अपनी निश में कोशिश करो कि 5 से 6, 7, 8 जिसमें आपको टेस्टिंग सब पे करनी है, लेकिन उनमें से कोई एक ज्यादा विनिंग प्रोडक्ट स्टोर निकलेगा. उस पर्टिकुलर विनिंग प्रोडक्ट के लिए आप लोग कोई, लेट्स सपोज इन फ्यूचर मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप सेल्स करते रहते हो, आपने अपना एक प्रोडक्ट, एक वो
सप्लायर एजेंट सेलेक्ट कर लिया और आपने बोल दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए प्लीज आप मुझे जो है ना क्या नाम है शिपिंग और प्रोसेसिंग टाइम्स जो है ना कम करके दे दें, और जनरल स्टोर जो बनाने जा रहे हैं वो निच स्पेसिफिक बना सकते हैं. निच स्पेसिफिक मतलब लेट्स सपोज डॉग डॉग से रिलेटेड, डॉग एक्सेसरी से रिलेटेड बना दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एलईडी डॉग कलर हो गया और इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने वो सारी चीजें बना दी, कोई मसला नहीं है, आप बना सकते हो, आप इस तरफ भी जा सकते हो. दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कि अगर जनरल स्टोर नहीं बनाना कोई बात नहीं, आप इस तरफ आ जाओ. या आपने बोला जनरल स्टोर मेरा, आप लोग ये भी कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है. आपने बोला कि यार मेरा जनरल स्टोर जो होगा ना वो गैजेट्स को प्रमोट करेगा, ठीक है, मतलब मेनली गैजेट्स को ऊपर फोकस करेगा, या कोई दो चीजें सेलेक्ट कर ली कि गैजेट्स को प्रमोट करेगा और इस चीज को प्रमोट करेगा, सही है, दैट वर्क्स टू, ठीक है. तो थोड़ा सा आप निश की तरफ भी जा सकते हो. या ठीक है ठीक है. और ये जो क्राइटेरिया आपने बताया जिसमें मैं प्रोडक्ट आपको सारा भेजना है, इसका कोई डेडलाइन है या ये कब तक भेजना है? वेट वन सेकेंड, तुम लोग अगर मुझे प्रोडक्ट्स भेजते हो तो मंडे तक, मंडे तक. ठीक है ओके ओके. ओके. जी असलम. सलाम वालेकुम. असलम एक तो ये आपने बात बताई कि ये मंडे तक इसकी डेडलाइन है, अगर उससे बाद में भी अगर हमें कोई एडिशन होती है या प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वो आपको सबमिट नहीं करवा सकते? नहीं, आप सबमिट करवा सकते हो बिल्कुल, दैट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल करवा सकते हो. अच्छा, मेरा बेसिकली जी सवाल ये था कि जब प्राइवेट एजेंट के थ्रू जाते हैं तो हम इसको अपने स्टोर को ऑटोमेट कैसे करते हैं, क्योंकि उससे तो ओवरलू के थ्रू हो जाता है एलेक्सा एक्सप्रेस से जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो लेकिन प्राइवेट एजेंट के थ्रू कैसे ऑटोमेशन होगी? प्राइवेट एजेंट के थ्रू ऑटोमेशन कैसे होगी? जी प्राइवेट एजेंट के थ्रू आपकी ऑटोमेशन इस तरह होगी कि आपने जो है अपनी, देयर टू वेज एक्चुअली, हमने हमने कौन सा करा मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज हम लोग ने जो है क्लिक फनल्स के थ्रू कर रहे थे, तो वी यूज टू मेंटेन अ शीट, ठीक है. एक और तरीका ये है कि क्लिक फनल्स को आप अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन देन अगेन क्योंकि वो प्राइवेट एजेंट होगा तो आपको पूरा वो मैनुअली करना पड़ेगा. सेकेंडली, कुछ प्राइवेट एजेंट्स होते हैं, कुछ प्राइवेट एजेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी ऑटोमेशन के लिए एप्स शॉपिफाई पर डाले हुई होती हैं, जैसे उबेल्डू है, राइट. अब एक कोई मशहूर वो है, क्या नाम है, एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल सीजे ड्रॉप शिपिंग बहुत मशहूर है. सो वॉट यू कैन डू इज दैट यू कैन टॉक टू देम अबाउट इट कि आपके पास ऑटोमेशन के लिए कोई ऐप है या कोई एपीआई इंटीग्रेशन के लिए कोई चीज अवेलेबल है जिसकी वजह से हम लोग ना अपने सिस्टम में इसको इंटीग्रेट कर ले किसी तरह. यू हैव टू टॉक टू दोस एजेंट्स एक्चुअली. लेकिन आई टेल यू समथिंग, गो विद सीजे ड्रॉप शिपिंग और वीओ, टॉक टू देम. मैं ये चाहता हूँ सब लोग जरा बात करें थोड़ा सा उनसे, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि हाउ डू दे वर्क एग्जैक्टली. थैंक यू, बस ये पूछना था. जी नदी. सर मेरा क्वेश्चन था कि मैंने प्रीवियस जो है ना वो कुछ लेक्चर्स आपके अटेंड नहीं कर सका, एक दो लेक्चर किए थे, अब क्या उनकी रिकॉर्डिंग हो सकती है, मिल सकती है उनकी रिकॉर्डिंग या कोई लिंक किस तरह का? बीबीसी पे मेरे से सब कुछ पड़ा हुआ है, वो तो बाकी जो यहाँ पे आपके साथ के लोग हैं वो तो आपको लिंक दे देंगे उसका. गाइस क्या आप जरा इनको बता दोगे थोड़ा सा? जी काइंडली मुझे बता दीजिए. ठीक है चले. और कोई चीज? ठीक. और इसके अलावा सर जो GIF जो फाइल क्रिएट करनी है वो किस तरह करनी है? उसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि ये आप लोग मेरे पास ऊपर वो देख रहे हैं क्रोम कैप्चर. जी क्रोम कैप्चर सही है, ये मैं सबको बता रहा हूँ. यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक एग्जांपल. लेट्स सपोज मैं एक बात कहता हूँ कि जस्ट सेइंग योर बिजनेस आइडिया नीड्स अ वेबसाइट. ओके सो गो टू wix.com. I know what you're thinking, another Wix ad. But before you skip,
Think about it. It's time to grow your business. So what are you waiting for? Today's the day. I'll show you how. This is the site I created for my ad agency. We're all about creativity. So we want our website to be as done. ये जिफ इमेज बन गई, ठीक है. एंड काफी लोगों को ना ये एक इशू रहता है हमेशा से कि लोग बोलते हैं कि यार ये जिफ इमेज कैसे बनाते हैं या इतना बड़ा हैसल है जिफ इमेज बनाना. लेकिन आप ये सोचो कि आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और आपके पास वो एक प्रोडक्ट आपको मिली है जिसकी जिफ इमेजेस अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, लेकिन लोगों ने वो यूज करवाए प्रोडक्ट और वो यूट्यूब पे उसकी वीडियोस अवेलेबल है, तो आपने वो एक्सट्रैक्ट कर ली इस तरह वीडियोस और आपने लगा दी जैसे मैंने लगाई दी है. ठीक, असल में जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं ना उनके पास इन सारी चीजों का एक्सेस होता है, तो वो फॉरन काम कर लेते हैं. ठीक है, I hope that's okay. Thank you. Extension name is Chrome Capture. Okay. So, G, this was the fourth question, and like I said, I will take 8 total. Unmute. G Fahad. Fahad, आप अपने आप को unmute करेंगे वो. आपके एंड से हुआ है म्यूट. जी थैंक यू सो मच मोइस, थैंक यू. जी मेरा सवाल ये है कि मेरी आपसे पहले ही बात हुई थी, मेरे पास मैंने अच्छी खासी एक प्रोडक्ट्स जो है वो निकाल दी है जिनके साथ मेरे पास इनका सोशल प्रूफ, इनकी वीडियो और जिफ इमेजेस, मतलब पूरी तैयारी हुई भी है ना, जो मेरे पास पूरा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है. जी मेरी आपसे बात हुई थी ना. ठीक है, अच्छा मुझे इस हवाले से दो क्वेश्चन है. एक तो आपने बड़ा अच्छा प्रोसेस बना दिया कि आपने जो है वो अफिलिएट के लिए भी आपके पीएम्स हैं, आप उनके साथ काम करें और वो आपको इस तरह असिस्ट करेंगे. अच्छा मेरा एक छोटा सा कंसर्न है, शायद बाकियों का भी हो, प्रोडक्ट की सीक्रेसी और प्राइवेसी के हवाले से एक सवाल है कि मैं बहुत मेहनत करके जो है विनिंग प्रोडक्ट ढूंढता हूँ और वो मैं शेयर कर रहा हूँ. मैं बताता हूँ दैट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन और यही मैंने अपने पीएम से भी बोला था, ये मेरे पीएम्स का भी क्वेश्चन था यही. और बहुत मुझे सिर्फ इस बात की श्योरिटी चाहिए कि हाँ बस बता रहा हूँ. अच्छा सुने, पहली चीज तो ये कि मैंने अब कल जो है ना हमीर से बात हुई है इस बारे में. ठीक है, तो मेरी अभी असल में बात चल रही है, तो अब वो मैं बता नहीं सकता किस बारे में बात चल रही है. ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ये कर सकता हूँ कि इफ यू गाइज वॉन्ट टू होल्ड दैट थॉट राइट देयर फॉर सम टाइम यू कैन, बिकॉज देखो मैं अब बताता हूँ क्या सीन है. द थिंग इज के अब ये एक लंबी तवील बात है, ये मतलब ऐसी बात है कि probably if I want to talk about this topic, I can go on talking about it for another 30 minutes. ठीक है, the people that I've selected so far was after long calls with each one of them, all of them. ठीक है, and उसका कुछ criteria था जो जिसके ऊपर मैंने select करा. It goes the same way. ठीक है, तुम मुझे प्रोडक्ट देते हो, जाहिर सी बात है इवैल्यूएशन जिस तरह तुम लोग सनी भाई के दे रहे हो, तुम लोग मुझे प्रोडक्ट दे रहे हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. Now when you're handing over those products to me, तो यू गाइस मतलब हो सकता है कि तुम लोग के दिमाग में, मतलब वैसे तो आई डोंट नो कि कितने लोग किस तरह से सोच सकते हैं, बट हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये हो कि शिट यार हम लोग मुइस को प्रोडक्ट दे रहे होंगे और उसके पास तो ड्रॉप शिपिंग इतना अच्छा एक्सपीरियंस एंड ही वुड गो अबाउट डूइंग दिस. दैट इज प्रोबेबली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग इन जनरल, दैट इज अ पेटी सोच. मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि आई वर्क डे इन डे आउट टेकिंग ऑल दीज ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स. ठीक है, एंड इसमें से जितने भी तुम मेरे पास अभी देख रहे हो सामने 328 ऑर्डर्स में से मेरे पास एटलीस्ट भी 250 to 270 ऑर्डर्स जो होंगे ना वो ड्रॉप शिपिंग एड्स के होंगे. एंड आई नो कौन से कस्टमर के कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होता है और कौन सा नहीं होता. अब वही बात है कि वो वही वाली बात है, मैं इसको इस तरह रखूंगा कि भाई मैं हूं और मेरा अल्लाह है, ये मैं हम दोनों के बीच में है कि सुनो तो सही है. अच्छा अच्छा कंप्लीट कर रहा हूं मैं बात. अब वही वाली बात है कि मैं हूं और मेरा अल्लाह है और मैं बेहतर जानता हूं कि भाई आई कैन डू दैट, आई कैन गो अबाउट डूइंग दैट. अब कुछ लोग शायद आई डोंट नो क्या सोचे या क्या नहीं सोचे, आज तक जिंदगी में मैंने आज तक जो है ना कभी भी अपने किसी कस्टमर की कोई प्रोडक्ट उठा के जो ना इस तरह नहीं करी, जबकि हार्डली इन 328 ऑर्डर्स में से मेरे पास शायद सिर्फ 3 या 4 ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनका ये कंसर्न होगा जो आपका कंसर्न है, जैसे
कि भाई आप मेरी प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, अगर वो हिट हो गई तो मतलब व्हाट गारंटी डू आई हैव कि आप ये नहीं करोगे, सही है? तो नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था ना, मेरा सवाल ये था कि आपके पास कौन से ऐसे मेजर्स हैं वो उन सिलेक्टेड पीएम्स के लिए, मैं आपकी बात ही दिन आपकी बात ही नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ के जो नॉन ईसी मेंबर्स हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस है उन पे ऑडिट ऑन ऑडिट रखने का कि यार ये प्रोडक्ट्स कहीं वो अपने स्टोर में ना लगाएं? देखो मेरे पास एक ही ऑडिट है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑडिट है, और मैं बता रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक दो सिर्फ छोटे मेजर्स हैं जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? वो ये है कि मैं उन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ और मैं उन लोगों की भी चीजें फाइनलाइज करवा रहा हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ड्रॉप शिपिंग किसी का भी, यहाँ पे मेजोरिटी जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी की, मैं सबकी, मैं दो या चार पांच लोगों की बात नहीं कर रहा, जो मेजोरिटी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ मिलके जो काम कर रहे हैं, उनका मेन इनकम स्ट्रीम ड्रॉप शिपिंग नहीं है। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ दो इनकम स्ट्रीम्स कर रहे हैं, कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं प्लस पीएल कर रहे हैं प्लस कुछ और भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो लोग दो से तीन काम कर रहे हैं, आई बेयरली थिंक, पहली बात मैं उस तरह सोचता नहीं उस तरफ के, मतलब आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि मेरे, मैंने जब ये पीएम वाला स्ट्रक्चर बनाया था तो मेरे दिमाग में सबसे पहली जो चीज आई थी वो यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में सीक्रेसी से रिलेटेड जो है कंसर्न्स उठेंगे, विच आर 100% जेन्युइन कंसर्न्स, मैं इसको मना नहीं कर रहा, और मेरी हमीर से आजकल रोज हर दूसरे तीसरे दिन इसी चीज के ऊपर बात हो रही है, ठीक है? क्योंकि मैं उसको ये समझा रहा हूँ कि देखो आई कैन डू सो मच एज अ ह्यूमन, सही है कि मैं इतना हद तक कर सकता हूँ लेकिन मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास भी जॉब है। जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसका सिलेक्ट, मतलब अप्रूवल फाइनल आपकी की तरफ से आएगा और इसी तरीके से सेम प्रोसेस होगा जैसे एफिलिएट वाला था? एग्जैक्टली, लास्ट फाइनल प्रोडक्ट जो सिलेक्शन होगी उसमें दो चीजें होंगी, मैं बताता हूँ। पहले तुम लोग अपनी तरफ से वैलिडेशन करोगे, फिर प्रोडक्ट मेरे पास आएगा, फिर मैं उस चीज को बैठ के देखूंगा, ठीक है? और मैं तुम लोग को देखो साफ साफ, मैं तुम लोग से झूठ नहीं बोलूंगा किसी भी चीज के ऊपर, ट्रांसपेरेंट रखूंगा, क्रिस्टल क्लियर रखूंगा। हाँ, तुम लोग को जो पीएम्स डिसाइन हुए हैं वो भी उन प्रोडक्ट्स को देख रहूंगा उसी तरह जैसे ईसी तुम लोग के प्रोडक्ट्स को देख रही हो और उनके टीम मेंबर्स देख रहे हैं, लेकिन उसमें मैं अपनी तरफ से भाई मेरा, मैं ये समझता हूँ मेरा दिल साफ है, मेरे पीएम्स का दिल साफ है, सही है? अगर अगर क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आएगी तो किसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आएगी? मेरी, मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आएगी, है ना? और तीसरी चीज, हाँ ऐसे लोग होते हैं, मैं ये भी तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ, आखिरी इस बात को रैप अप कर रहा हूँ, ऐसे लोग होते हैं जो करते हैं और जो करते हैं वो कहीं भी नहीं पहुंचते, वो कहीं पे भी नहीं पहुंचते। ये गुलाम तो देख रहे हो, गुलाम माशाल्लाह, ये जो एक जो अभी जिस स्टूडेंट ने आखिरी मैसेज करा हुआ है, इस ही हैज एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैज एम्पल अमाउंट ऑफ ड्रॉप शिपिंग एक्सपीरियंस, ठीक है? एंड ही इज डूइंग वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है? एंड आई वुड अग्री विद दिस पॉइंट, आई वुड अग्री विद दिस स्टेटमेंट, और यही बात तुमने जो बहुत जबरदस्त करा है ना, तो मैं बताऊं सबसे अच्छी बात क्या है मेरे पीएम्स की, सबकी सबकी, मारुख हो गया, तलाल हो गया, मोतिशम हो गया, सारे सारे, अस्का हो गई, तैयबा हो गई, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, इन सब ने मेरी तरफ ये सवाल थ्रो करा था कि मुईस हम लोग को ये डर है कि, मतलब उन्होंने जनरली ये बात रखी, तो इट वॉज कमिंग फ्रॉम देम, सो टेक माई वर्ड ऑन इट, यू गाइज एंड योर प्रोडक्ट सीक्रेसी इज सेफ विद अस। Chalne, can't wait for the next session. Zabardast ho gaya. Thank you so much for your time, Mois. Really appreciate that. Thank you. No problem. Okay, here comes the second one. Maruf, main sawal lene ki koshish kar raha hu. Haan, aap sahi hai. Haan, bolo. Ji, assalam alaikum. Awaaz aa rahi hai? Waalaikum assalam. Ji, ji, bilkul. अच्छा, एक तो मैंने ये कहना था कि ये जो हम टू चेकआउट का अकाउंट बना रहे हैं पाकिस्तान से, आपने उल्ट्री का बताया, तो उसमें एड्रेस शो करना होता है वेबसाइट के ऊपर, तो वो तो पाकिस्तान का एड्रेस शो होगा तो लोग तो स्कैम समझेंगे कि आपकी वेबसाइट ही स्कैम है। दूसरा, फेसबुक का जो पेज होता है उसके ऊपर भी शो हो रहा होता है कि ये पेज कहाँ से मैनेज हो रहा है, कौन से कंट्री के लोग मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, फेसबुक पेज का मैं बताता हूँ, फेसबुक पेज के लिए तो आपको एक बाकायदा एक जगह जानी होती है जहाँ पे जाके आपको चेक करना होता है कि कौन लोग मैनेज कर रहे हैं इस पेज को। और बिल्कुल आई डू अग्री, 100% वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, मैं मेजॉरिटी लोग जाके पेज ट्रांसपेरेंसी में जाके देखते भी नहीं है,
देखते भी नहीं है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 99% टू 98% ऑफ देम, जो जाके देखते भी नहीं है कि ये पेज रन कर कौन रहा है, ये कोई यूक्रेनियन है या पाकिस्तानी है या अमेरिकन है. लेकिन चलें, योर पॉइंट स्टेज, एक तो बात ये, तो पेज तो आपको चलाना ही चलाना है और वो आपको ही चलाना है, ठीक है, एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात ये हो गई, एंड मैं ये भी बता दूं आपको कि एड्रेस की जो बात है, तो यू कैन गो अबाउट बाइंग एन एड्रेस, और मतलब आप ये भी कर सकते हो कि आपका कोई जानने वाला है बाहर पे, आप उसके साथ, आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जैसे मेरे है, सही है, तो मैंने उसके एड्रेस पे को रख के जो है ना बात कर रहा हूँ मैं और सारी चीजें डील कर रहा हूँ मैं, तो मुझे मुझे इस चीज का ना कोई इतना कोई मेजर इम्पैक्ट आज तक मुझे फेस नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है. लेकिन फिर एट द सेम टाइम मेरे पास जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टू चेकआउट अप्रूव करवाया और अपना स्टोर अब रन कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोला सबके स्टोर प्रॉफिटेबल रन हो रहे हैं, लेकिन मैं एक दो ऐसे स्टोर जरूर जानता हूँ जो प्रॉफिटेबल रन हो रहे हैं, नॉट लाइक एट अ ह्यूज वो, इट हैज नथिंग टू डू विद एड्रेस, आई थिंक मे बी इट कुड, बट इट हैज टू डू विद के वो अपनी कितनी क्वालिटी रख रहे हैं चीजों के ऊपर, और मेनली ये कि उन्होंने हर चीज बहुत ट्रांसपेरेंट रखी हुई. आई नो दैट हैज अ इम्पैक्ट, बट एड्रेस जानने के लिए भी वेयर दिस बिजनेस इज ऑपरेटिंग फ्रॉम, आई वुड से हर आठवां बंदा या सातवां बंदा इस चीज को जाके देखता है, नॉट मे बी दैट इज माई ओपिनियन, ठीक है, बिकॉज इवन मतलब मेरी वाइफ का बाइंग बिहेवियर देख लूँ या मैं अपने फ्रेंड्स का बाइंग बिहेवियर देख लूँ अपने अराउंड, वो लोग भी इस चीज को इसी तरह ले रहे होते हैं कि वो लोग जाते हैं और अगर उनको चीज समझ आती है तो वो लोग खरीद लेते हैं, यूजली नहीं देख रहे होते, अलबत्ता गोरे थोड़े इन चीजों के ऊपर जरूर नजर रखते हैं. तो मैं आप लोग से बोलूंगा कि भाई या तो इफ यू हैव समवन इन योर नेटवर्क तो आप उससे बात कर लो, ठीक है, और अगर आप जरा बड़ी ड्रॉपशिपिंग की तरफ जाना चाह रहे हो, जैसे मैंने आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो आप लोग पार्टनरशिप भी कर सकते हो, फिर तो आप उसको कुछ हिस्सा भी दे सकते हो कि भाई तुम ये वाला एरिया देख लो, मैं ये वाला एरिया देख लेता हूँ, ठीक है, एंड वरना तो है ना आपको फिर पाकिस्तान का एड्रेस रिवील करना पड़ेगा और आपको बताना टू चेकआउट भी उसी तरह से फिल इन करना पड़ेगा आपको. ठीक ठीक क्या बजट ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमारा 30 दिन तो वो जो है पेमेंट होल्ड करके रखेंगे टू चेकआउट वाले 70%, बाकी जो पेमेंट वो 90 डेज होल्ड करके रखेंगे, उसके अलावा हमें पेमेंट जो है वो एडवांस में करनी होगी अपने सप्लायर को भी, फेसबुक को भी, तो 1500 से 2000 ये बहुत कम है. क्रेडिट देखें तो सप्लायर को जो है आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है ना, मतलब जैसे मैं अली एक्सप्रेस की बात कर लेता हूँ, तो जब आप सप्लायर को कर रहे होते हो तो आप एडवांस में सारी चीजें पे कर रहे होते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास पैसे भी गिर रहे होते हैं स्ट्राइप पे और पेपैल पे, तो थोड़ा सा ये जरूर मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ कि ये होता है, लेकिन तुम्हारे पास एक कैश इनफ्लो, ड्रॉपशिपिंग की अच्छी बात यह है कि आपके पास कैश इनफ्लो जो होता है ना वो जरा तेज होता है कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस, जहाँ पे जो है ना बहुत बड़ी इन्वेंट्री में पैसा लगा के रख लेते हो, या आप ये करते हो कि आप पैसा रोलिंग में होता है आपके इन्वेंट्री में और फिर बाद पहले आप सप्लायर को पैसे देते हो उसके बाद आपके पास पैसे आना शुरू होते हैं. ड्रॉपशिपिंग में अच्छी बात यह है कि आपके पास कैश का जो इनफ्लो होता है वो काफी तेजी से आना शुरू हो जाता है, एंड आई थिंक गुलाम विद ऑल्सो अग्री विद मी, तो ये एक पर्क जरूर होता है ड्रॉपशिपिंग में. जी इस्लाम को मोहतशम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. अच्छा एक तो ये मुझे पूछना था कि आपको प्रोडक्ट्स सेंड कितने करने हैं. ओके ठीक है. अच्छा ठीक है, तो हमें तुम लोग को जो प्रोडक्ट्स सेंड करने हैं वो 3 से 4 करने, वो तुम लोग को आज ही कंफर्म करके हो जाएगा कितने करने एग्जैक्टली. उसके अंदर तो प्रोडक्ट ज्यादा होंगे ना, तो मतलब यू डोंट थिंक प्रोडक्ट ज्यादा सेंड करने चाहिए 100%, लेकिन तुम लोग को वो प्रोडक्ट मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है. देखो मैं बताता हूँ, जब आप जनरल स्टोर बनाते हो ना, या जब आप जैसे निश स्टोर बनाते हो, जिस निश स्टोर मैंने बोला था कि अप टू 15 to 25 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, 10 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन लेट सपोज अगर मैं अभी बात कर लेता हूँ कि तुम बात कर रहे हो जनरल स्टोर की, सही है, तो जनरल स्टोर में मैं बोलता हूँ कि यार बंदे के पास एटलीस्ट 170 प्रोडक्ट्स तो होने चाहिए अपने स्टोर पे. अब क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि जब स्टोर पॉपुलेटेड लगता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये स्टोर जरा कुछ अरसे से मतलब काम कर रहा है और इतनी चीजें ये बेच रहा है, तो ये
थोड़े लंबे अरसे से काम कर रहा होगा. तुम लोग समझ रहे हो मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? समझ रहे हो ना मेरा ये वाला पॉइंट के मतलब, अगर तुम लोग के पास स्टोर, अगर एक पूरा जनरल स्टोर खड़ा कर दिया पांच प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर, पांच डिफरेंट कैटेगरीज के, तो मतलब आप भी आके थोड़ा स्केप्टिकल फील करोगे ना, बोलोगे कि मतलब क्या सीन है ये, किस तरह का जनरल स्टोर है ना. तो इस वजह से बोलते ही है कि आपके पास जनरल स्टोर जब आप बना रहे हो, जब आप खोल रहे हो, तो आपके पास प्रोडक्ट्स जो है अप टू 70 50 प्लस से लेके 100 या 100 प्लस भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं. ठीक है, तो सेम गोज ओवर हियर. तुम लोग मुझे दोगे, लेट्स सपोज एक निश की तुम एक निश तुमने सेलेक्ट कर ली, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तुमने कर ली. अब वही बात है कि मुझे जरा गेमिंग का जरा ज्यादा शौक है, मैं गेमिंग निश के रिलेटेड बोल, तुमने बोला कि एक चलो क्लीनलीनेस से रिलेटेड तुमने मुझे चार प्रोडक्ट्स दे दिए, क्योंकि आजकल COVID-19 है, ये एक ऐसी वो है निश जो काम कर रही है, तुमने मुझे चार प्रोडक्ट्स दिए. मैं चार प्रोडक्ट्स देके मैं चार में से बोला यार मोतिशम, इन चार में से मुझे इन दो के अंदर ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है, इन दो के अंदर नहीं लग रहा, मेरी रिसर्च के मुताबिक इन दो के ऊपर जरा पैसा ज्यादा लगाना शुरू करो, लेकिन ये दो भी जो प्रोडक्ट्स हैं तुम अपने निश स्टोर में ऐड कर दो फॉर अपसेल, कर दो तुम, मुझे मसला नहीं है. और इन चार के अलावा तुम्हें 10 और करने पड़े तो तुम करो, क्लीनिंगनेस से रिलेटेड तुम लोग और भी वाओ प्रोडक्ट्स ऐड कर लो, भले वो सैचुरेटेड हो चुके हों. मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ 5 सेकंड से रिलेटेड ही. सेकंड्स भाई, आई मीन सेकंड्स, ओहो हाँ चला गया, प्रोसीड. मैं इस स्टोर की बात कर लेता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है. तो जब मैं सेकंड्स की बात करता हूं डॉट को की, यहां पर तुम आओ तो ये प्रोडक्ट जो तुम लोग देख रहे हो ना, एक ये बहुत है वैसे तो, लेकिन एक ये हो गया, और बताता हूं, एक ये हो गया, घिस चुका ये प्रोडक्ट बिग बिग के. ये प्रोडक्ट जो है ना, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं, इतना बिग गया ये प्रोडक्ट, इतना बिग गया ये प्रोडक्ट के हद हो गई है मतलब लिटरली. लेकिन क्या है कि जब लोग इससे रिलेटेड, लेट्स सपोज तुम ये देख रहे हो फिटनेस प्रोडक्ट है ना, अब फिटनेस प्रोडक्ट मैंने ये ऐड करी और मैं जो ना ऐड टू कार्ट या चेकआउट पेज पे गया तो अपसेल हो रहा है ये प्रोडक्ट. अब अगर मेरे पास नहीं है, अगर तो है या मेरे किसी, मैंने कस्टमर एक्सपीरियंस इसका सुन लिया किसी और से, तो चलो मैंने नहीं खरीदा, लेकिन कोई तो लोग अभी भी होंगे ना जो हुआ स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर अ प्रोडक्ट लाइक दिस, या अपसेल के वक्त जो है ना उनको डिस्काउंटेड प्राइसिंग इसके ऊपर लग रही है, वो तो 100% ये प्रोडक्ट खरीदने जाने, लेकिन अपसेल करते हुए ये दिख गया. और मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुमने ये खरीद लिया तो इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग ये है 27.99, लेकिन इसके साथ अगर तुम खरीदते हो तो इसके ऊपर भी मैं तुम्हें जो ना 15% ऑफ दूंगा, मजीद डिस्काउंट 27 से मैं इसको कर दूंगा, लेट्स सपोज 23-24. तो आप थोड़े से इंक्लाइंड हो गए, आपने बोला हाँ चलो ठीक है यार मैं खरीद लेता. तो कहने का मकसद ये, अगर आप अपनी कोई निश स्पेसिफिक खोल रहे हो तो आप और एरियाज में भी आप जाओ, भले वो सैचुरेटेड हो प्रोडक्ट्स और विनिंग आपको लग रहे हो, आप वो ऐड कर दो, आप अपसेल की तरफ चले जाओ उनको लेके. समझ रहे हो मेरी बात? जी. अच्छा, ये टू चेकआउट के लिए बेसिकली आपने वो पूरी एक कोर्स तो डाली भी है, लेकिन ऑब्वियसली वी नीड अ स्टोर फॉर दैट, सही है? तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अभी स्टोर बना के क्रिएट कर लें अभी से ही, यानी एज अ मतलब टेस्टिंग स्टोर बनाए, या क्या सीन है इसका, या फिर हम पहले पूरा वो सिलेक्शन प्रोसीजर होने दें फिर उसके बाद जब स्टोर बनाए तो उसके बाद फिर हम अप्लाई करें? क्या अप्लाई करें? सॉरी, टू चेकआउट. देखो, टू चेकआउट के लिए तो तुम लोग को तभी अप्लाई करना है जब तुम लोग का स्टोर बन जाएगा. अच्छा, सही है, ठीक है. दूसरी बात, अभी नहीं करना, मैं ये बोल रहा हूं, हां अभी नहीं करना. और दूसरी बात, तुम लोग जब तक, तुम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ द होल स्टोर, तुम लोग के पास जो है वो अवेलेबल है पेपैल और स्ट्राइप का अकाउंट जो है ना, मुझे बोला था जैन ने, बोला था मुझे बकायदा कॉल करके कि अगर वो स्ट्राइप का अकाउंट कोई पूछे तो उनसे बोलना कि मुझसे जान ले, एक सेशन रखवा दे स्ट्राइप के ऊपर. तो ये डिमांड तुम लोग को करनी पड़ेगी जैन से. फिर जैन ही बताता है ना तुम लोगों के ये अकाउंट्स कैसे बने पेपल वगैरह का, है ना? तो जैन ने ही मुझसे बोले थी कॉल पे कि अगर स्ट्राइप का अकाउंट तुम लोग को नहीं बताया गया कैसे बनाते तो वो भी तुम लोग को सिखा दे. तो अगर तुम लोग पेपल की तरफ जा रहे हो तो तुम लोग को स्ट्राइप भी लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लोग जो पेपल से पेमेंट कर रहे होते हैं वो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, और जो उनके पेपल में पैसे होते हैं उससे भी पे कर सकते हैं. लेकिन लोग जो क्रेडिट कार्ड से स्पेसिफिकली पे कर रहे होते हैं वो यूजली स्ट्राइप ज्यादा प्रेफर करते हैं, सही है?
तो दोनों अगर तुम लोग टू चेकआउट की तरफ नहीं जा रहे तो तुम लोग पेपैल और स्ट्राइप दोनों तुम लोग को लगाना होगा, और अगर पेपैल और स्ट्राइप की तरफ नहीं जा रहे तो टू चेकआउट इन दोनों का काम कर देगा, राइट? हाँ सही है, बस यही सवाल था, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, आई एम गोइंग टू टेक अ लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर नाउ। ठीक है, हमजा। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। वान सलाम। अच्छा, मेरा कुछ क्विक क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग के जब हम अली एक्सप्रेस पे जाते हैं और हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं जिनमें मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं, उनकी मल्टीपल प्राइसिंग होती है, तो डू यू रिकमेंड किया जब हम उन्हें अपने स्टोर पे ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उन्हें यूनिफाइड प्राइस रखनी चाहिए या हर प्राइस हर वेरिएंट की अपनी प्राइस अपने स्टोर पे रखनी चाहिए? लेट्स सपोज मैं एक बात बोलता हूं, तुमने एक ठीक है पैनकेक मेकर तुमने ऐड करा। अब पैनकेक मेकर एक शेप है गोल, एक जो है वो फैंसी शेप्स में मतलब स्टार शेप्स में, एक जो है वो स्क्वायर शेप्स में, सही है, और साइजेस भी डिफरेंट है और कलर्स भी डिफरेंट है और हर चीज की जो ना प्राइस डिफरेंट है, थोड़ी थोड़ी वेरी कर रही है, तो तुम लोग उस लिहाज से रखोगे प्राइसिंग। तुम लोग फिर वेरीड प्राइसिंग रखोगे, तुम लोग सेम प्राइसिंग नहीं रखोगे। जैसे कि अगर मुझे एक प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आता है तो मैं तुमको जो है ना एग्जाम्पल दे सकता हूँ, रुकना जरा एक मिनट, मतलब और भी मुझे पता है यहाँ पे मिल जाएंगे मुझे, लेकिन मैं एक खास प्रोडक्ट देखना चाह रहा हूँ। अबे यार, एक तो यानी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने जितने भी स्टोर्स देखे हैं उन पे जो प्राइसिंग आ रही होती है वो एक प्राइस आ रही होती है, यानी ये नहीं होती है कि $5 to $7 प्राइस शो हो रही है उस प्रोडक्ट के। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, सुनो, तुम्हें यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा हूँ जो कि मुझे अभी मिल नहीं रहा है, सही है, उस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ एक फिक्स प्राइसिंग लिखी हुई है, लेकिन उसके अंदर वेरिएंट है जिसकी प्राइसिंग डिफरेंट है। ये तो थीम का पार्ट होता है, मतलब अब मैं तुम्हें अनफॉर्चूनेटली मुझे मिल नहीं रहा है, अगर मुझे मिले तो मैं तुम्हें फौरन से बताऊं दिखाऊं। पता नहीं कहां रह गया है। I think मुझे थोड़ी समझ आ गई है कि जब हम वेरिएंट सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसकी तब प्राइस अपडेट होगी। ये रहा। अब ये सोल्ड आउट आ रहा है, लेकिन तुम लोग देख रहे हो नॉन पैडेड एंड पैडेड, इन दोनों की प्राइसिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो जब सेलेक्ट करेंगे तो उनकी प्राइसिंग डिफरेंट होगी, ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगी। ओके, और वो मेन पेज पे शो नहीं होगी, मेन पेज पे लोएस्ट प्राइस ही शो होगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज के जब हम अली एक्सप्रेस पे जो वीडियोस दी होती हैं जिसको हमने अगर अपने स्टोर पे भी ऐड करना है तो अक्सर वीडियोस होती है जिन पे लोगो आ रहा होता है, अब पिक्चर से तो लोगो रिमूव हो जाता है, तो वीडियो का क्या सलूशन होता है? सॉरी फिर से बोलना। यानी अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट पेज पे पिक्चर के साथ वीडियोस भी लगाई होती है सेलर्स ने, ठीक है, अगर हम उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे इम्पोर्ट करते हैं तो वो हम वीडियो भी इम्पोर्ट कर लेते हैं साथ, लेकिन उस वीडियो पे अगर लोगो शो हो रहा हो या वॉटरमार्क शो हो रहा हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, उस वीडियो को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सिंपल है, उसका एक दो तीन प्रोसीजर है। जो सप्लायर वीडियो देता है ना वो होती है, मतलब इन माय ओपिनियन वो फ्री टू यूज होती है बाय एवरीवन। सप्लायर देता ही इस वजह से ताकि ड्रॉप शिपर्स उस वीडियो को यूज करके उसको दबा के बेचें। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, फिल्मोरा वंडरशेयर यूज करो या साइबर लिंक पावर डायरेक्टर यूज करो, सही है, कोई भी थर्ड पार्टी टूल यूज करो, 2 मिनट में वीडियो एडिट करो, रेडी। ठीक है, सही है, सिर्फ उस लोगो की जगह अपना लोगो लगा दो और गेट टू गो। ठीक है, प्लीज टूल्स का नाम दोबारा शेयर कर देंगे? फिल्मोरा वंडरशेयर है, कहाँ चला गया, यहीं कहीं होगा, साइबरलिंक पावर डायरेक्टर, साइबरलिंक यहाँ पर होगा डेस्कटॉप स्टफ में। ओ, तुम्हें को तो डेस्कटॉप नजर नहीं आ रहा। फिल्मोरा वंडरशेयर, और मैंने इसका वो टॉम फाइबर के ऊपर ना इसका वो जो फ्री सर्वर है ना डाउनलोड करने का, वहां से मैंने उठाया हुआ इसको, और वहां पर है, वहां पे क्रैक डिप फाइल है इसकी, तो वहां से मैंने उठा के करा, वो बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, इतना मजे का है, मतलब आपको एडिटिंग करने में भी इतना इजी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग प्रोडक्ट सबमिशन, जिस तरह भी आपने कहा है कि मंडे को आप प्रेफर्ड है कि प्रोडक्ट सबमिट करवा दें। हां ठीक है, फ्री सर्वर से मतलब एक मिनट, डाउनलोड सर्वर की बात कर रहा हूं, फ्री सर्वर मेरे मुंह से निकल गया था। हां ठीक है,
अच्छा पीएल में क्या होता है कि पीएल में हमें एक पोर्टल मिला हुआ है, हम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट डालते हैं, वो फिर आगे अप्रूवल होता रहता है, और जैसे अप्रूव होता है फिर हम उसके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं और आगे फिर हम लॉन्च की तरफ चले जाते हैं। तो इसका क्या डिफरेंट है कि वी हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन कि इस टाइम तक प्रोडक्ट सबमिशन होगा, फिर इतनी देर बाद लॉन्च होगा, और हमें यानी एक फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। तुम लोग अभी प्रोडक्ट्स दो, मैं अब जितनी कैपेसिटी है उस लिहाज से हम लोग चीजों को अप्रूव करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि भाई अब ये ले लो, फिलहाल इतने लो, हो सकता है बैचेस में हम लोग करें अगर एक साथ ना कर पाए, अगर इतनी कैपेसिटी ना हो सकता है पीएम्स बढ़ाएं, हो सकता है मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो उस चीज को नजर में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए फिर हम लोग चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। चलें गाइस, आई एम गोना फिनिश दिस ऑफ राइट नाउ, बट फॉर दोस हु स्टिल हैव क्वेश्चंस, डोंट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन मैसेंजर एनीमोर, बिकॉज बहुत ज्यादा बीबीसी के स्टूडेंट्स भी मैसेजेस कर रहे हैं, विच इज फाइन, विच इज टोटली ओके, जाहिर सी बात है दे नीड हेल्प एज वेल, बट आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू हेल्प बीबीसी राइट नाउ, वरना मुझे बहुत शौक है गोइंग आउट ऑफ द वे हेल्पिंग एवरीवन। ठीक है, अभी फिलहाल जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं वो बीबीसी पे डाल दें, and I will get back to you on this. Okay? Okay, I'm going to finish off over here. Inshallah. Until next time. Sorry? The function credit. Important what? Guys, वसीम आप लोग मुझसे जो है ना उधर ही पूछ लो, ओपन कम्युनिटी यहाँ पे भी आप लोग सबके सामने मुझसे क्वेश्चन ले रहे हो ना, तो आप लोग उधर ही क्वेश्चन कर लो मुझसे ईसीबीसी पे, क्योंकि मुझे जाना है एक्चुअली इस वजह से। ठीक है, प्लीज नो हार्ड फीलिंग्स। ओके ठीक है, फाइन, लिसन लिसन वेट प्लीज यार, थोड़ा समझो, मुझे कोई मसला नहीं है क्वेश्चंस के आंसर्स देने में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, एंड जस्ट पोस्ट इट ऑन ईसीबीसी। और ठीक है, ओके, सही, अल्लाह हाफिज़।